दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले, दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले, हंसके दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, हंसके दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले। दिल तो दिल है अक्ल की दौलत गवा देते हैं हम, अरे बाप दादा की कमाई तक लुटा देते हैं हम, अरे जीते रहो घर के बर्तन बेच खाना कोई हमसे सीख ले, घर के बर्तन बेच खाना कोई हमसे सीख ले, हंसके दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, हंसके दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले, आज कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे। दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले, उम्र सारी कैस की जंगल में गाते कट गई, अरे जिंदगी फरहाद की सीटी बजाते कट गई, अरे वाह वाह। वाह 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 वाह, इश्क में तबला बजाना कोई हमसे सीख ले, इश्क में तबला बजाना कोई हमसे सीख ले, हंसके दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, हंसके दीवाना बनाना कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले, आज कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले, आज कोई हमसे सीख ले। दिल हसीनों से लगाना कोई हमसे सीख ले। मगर जानवर तो दूर तक नजर नहीं आता, एक बकरी का बच्चा भी नहीं नजर आता। अच्छा पीछे देखो तो मोटरों का काफला आता है क्या? अयो वो तो बहुत दूर है जी। अब तुम दूरबीन को उल्टा करके देखते हैं, घुमा के देखो। अबे तो एकदम जाती पे आ गया, सब जानवर देखो। जानवर देखता हूँ जी, किधर जानवर किधर गया। सांभर चीतल और हिरन के शिकार पर निकले थे। साथियों और बहादुरों, आज तुमने खाया क्या? अफसोस, सब अफसोस। जब हमारे शिकार की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो वो सुनहरी स्याही से नहीं बल्कि चने की दौल से लिखी जाएगी। परवाह नहीं, लेकिन कल जब हम शिकार पर जाएंगे तो हमारे इस डार्लिंग डबल बैरल को लेके जाएंगे। ये वो बंदूक है जिससे रानी बाग के हाथी तो क्या बल्कि शेर तक कांपते हैं। चुपके नारायण, तुम्हारी नजर का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है सरकार। एक के दो तो नजर नहीं आते? नहीं नहीं, दो के चार नजर आते हैं जी। आप चुपके नारायण, कल शिकार में तुम हमारे साथ जा रहे हो। अच्छा, हम पूरब की तरफ से जंगल पर धावा बोलेंगे। अच्छा, और इनसे कहो हाँ की तरफ से हमारा पीछा करें। यस सर। यू ऑल्सो, अबे तू भी चुपके। कल भी कुछ नहीं मिला था,
और आज भी कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि मैंने तेरा मुंह देखा है, समझा? सुबह सुबह उठ के सामने चला आता है। मोती सरकार, उधर देखो, उधर देखो, मिल गया। क्या है? देखो, क्या है क्या? मारो जी। अबे मगर मारू किसको, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे क्या दिखाई नहीं देता, वो झाड़ के अंदर है जी, गोली मारो जी। जरा मैं भी तो देखूं। ये पहले गोली मारो, पीछे देखो, वो हरनी भाग जाएगा जी। ऐसा? तुम किधर जाते हो? मैं इधर ही हूँ। अच्छी बात है, काम बंद करो। अबे चुपके, ये क्या खबर है? ये एक नहीं जी, बहुत हरनी लोग है जी, तुम आओ एक चला। तू जरूर कुछ ना कुछ झगड़ा करवाएगा, मुझे देख लेंगे। तुम गोली मारो जी, कोई ना कोई तुम्हें मर जाएगा। ए, कौन है तुम? यो यो, ये कैसा हारनी है जी? ए शिकारी के बच्चे, नीचे कर बंद। तुम्हारे बाप का राज है कि जिस पर जी चाहे गोली चला दी। जादूगर हारनी, ये तो मर गया जी, तुमने इसको मार डाला। हमारी सरकार को मार डालो। मोती सरकार, मोती सरकार, मोती सरकार। अयो मोती सरकार, ये क्या हो गया? जादूगर हिरनी, लाल रुमाल, गोल गोल लटकियां, काले काले बाल। अब यहाँ वो जादूगर हिरनी का पता निकलता जी। नथू, अरे बहुत चलिए जल्दी। अरे देखो मोदी सरकार को क्या हो गया रे? क्या हुआ? क्या हो गया? ये क्या हो गया? जिंदा है कि मर गए? नहीं यार, अभी जिंदा है। अरे मुनीम का बच्चा किधर गया? मुनीम के बच्चे को मारा गोली। अरे यार उठाओ, कार को उठाओ, 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 चलो। अरे सब उठा लो, सब उठा लेंगे, घबराओ मत। चलो सब उठा लेंगे। लाल रुमाल, कुछ समझ में नहीं आता सेठ जी, नस चलती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सांस, आंखें, नाक, कान, सब कुछ तो ठीक है। कुछ भी कीजिए, मेरे मोती को ठीक कीजिए डॉक्टर। अच्छा, मैं दवाई लिख देता हूँ। घबराओ नहीं लक्ष्मी, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। जादूगर हिरनी, लाल रुमाल। हाय मेरा मोती। हाय मेरा मुनीम। अरे चुपका नारायणन, तुझे शेर क्यों खा गया? शेर हमको क्या खाता जी, हम शेर को खा गया। अरे अरे चुपका नारायणन, तू आ गया। शाबाश शाबाश शाबाश, बता इस खोटे पैसे को क्या हो गया है? ये जादूगर हरनी कौन है? सब पता लाया जी, पहले हमको ये बताओ कि हमारे रानी पद्मिनी कैसा? अरे पद्मिनी के बच्चे, मैं पूछता हूँ क्या पता लाया है? वो पता देता हूँ जी, ये जादूगर हरनी, लाल रुमाल, गोल गोल आंखें, काले काले बाल। चुप बे। मिस रूपा चौधरी, कौन है ये? ये तो चौकरी है, जादूगर आर्नी इसका नाम है। अपना मोती सरकार उसके लव में फंस गया है जी, उनका जल्दी जल्दी शादी करना चाहिए। तो जल्दी जाकर बातचीत करो ना, हम फौरन शादी कर देंगे। हाँ मैं फौरन कल जाऊंगा ना। कल क्यों? आज जा, इसी वक्त जा, देखता नहीं एक एक घड़ी मुसीबत से गुजर रही है। हाँ मैं अभी जाता हूँ, उसमें क्या है? वो मेरी रानी पद्मिनी को चोरियां करने की है, एक 50 रुपए दे। तंग आ गया तेरे 50 रुपए से? नहीं नहीं, इधर होगा जी, ये ले। और सुन, ए सब बात का अच्छी तरह फैसला करके आइयो। फैसला करके आता हूँ। और सुनो, 2-4 लाख की परवाह मत करना। नहीं नहीं, 2-4 लाख। नंबर 13, यो वेरी बैड, अनलकी नंबर। जादूगर हरनी नंबर 14, जादूगर हरनी नंबर 14, जादूगर हरनी नंबर 14। फोर्टीन इज अ लकी नंबर। అయ్యో వండర్ఫుల్, ఇది 14 నంబర్, 14 నంబర్, ఇది ద లక్కీ నంబర్. జాదుగారు హర్ని, జాదుగారు హర్ని, లాల్ రుమాల్, గోల్ గోల్ ఆకి, కాలా బాల్. ఓ జాదుగారు హర్ని, ఓ జాదుగారు హర్ని, ఓ జాదుగారు హర్ని, జాదుగారు హర్ని. ఏయ్ తుమ్కో క్యా మాంగ్చా? ఓ తుమ్ ఉస్కా బాప్ హై, హమ్ తుమ్హారే సే బాత్ కరేగా. तुम्हारी छोकरी एकदम पसंद, उसके शादी का बात है, तुम एकदम खुश हो जाए। What? वो हमारा औरत, तुमको मालूम? अयो तुम्हारे जबान में छोकरी को औरत बोलता, परवाह ही ले। हमारा शेर बड़ा लाखोपति, उसका बड़ा बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी मोटर है, और मोती सरकार उसका अकेला छोकरा है, उसका शादी का बात है, तुम किल्लत बोलो जी। तुम क्या बच्चा है, यू इडियट? वंडरफुल है, तुम 1 लाख रुपया मांगता, हम 1 लाख देगा। यू डैम फूल, हमारा औरत को 2 बच्चा।
बच्चा तो शादी के पीछे होगा जी, एक दो ना तीन चार आठ वो कुछ गारंटी नहीं कर सकता जी। ओ दो दो बच्चा, 2 लाख मांगता, तुम्हारा आइडिया अभी हमारे मगज में आ गया, हम तुमको 2 लाख देगा जी। गेट आउट यू इडियट, नहीं तो तुम्हारा मगज तोड़ेगा। ओ एक दो तीन चार पाँच, 5 लाख मांगता, वंडरफुल आदमी। छोकरी का बाप अपने मुंह से कैसे मांगेगा, तुम्हारा मांगने का ढंग बहुत अच्छा है। ओ, 5 और 5 10, हम तुमको 10 लाख देगा, तुम हमको शगुन का नारियल दो जी। नारियल एनी गन लाओ, एनी गन लाओ। वंडरफुल मैन, नारियल को गन बोलता। जादूगर डॉक्टर साहब, अच्छी से अच्छी खुराक, रुपया पैसा लाड प्यार, भला कौन सा सुख है जो मैंने नहीं दिया इसे। जादूगर जी, मैं समझता हूँ यहाँ कुछ कमी रह गई है। अजय नहीं नहीं नहीं, यहाँ कैसे कमी रह सकती है, पूरे 7 मन बादाम खिला चुका हूँ। 2 मन, 5 मन पिताजी खुद खा गए। जादूगर डॉक्टर साहब आए भाई। आप आगे मुनि जी, कुछ पता चला? हाँ पता चला जी, हम वो छोकरी के बाप के पास गया, हम उसको 1 लाख का ऑफर दिया, बहुत गुस्सा हो गया। अच्छा अच्छा क्या, हम उसको 2 लाख का ऑफर दिया, उसके बाद हम 5 लाख का ऑफर दिया, उसके बाद हम 10 लाख का ऑफर दिया जी। वो बाप बहुत खुश होकर अंदर गया। अच्छा अच्छा क्या, बंदूक लेके बाहर आया और हमारे ऊपर 2 गोली चलाया। अरे तो उन 2 में से 1 भी गोली तेरे सीने पे नहीं लगी, वो कैसे लगती जी, तुम्हारे आशीर्वाद से हम बच पा रहे हैं। उस आदमी की बंदूक का लाइसेंस कैंसिल, जो इतने बड़े निशाने पर गोली नहीं मार सका। उठ गए चुपके, डाल इसे खटिया पे और फेंका बबली के समंदर में, अभी फेंक देता हूँ। अरे अरे कैसे बाप हो तुम, देखते नहीं मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर, कुछ तुम ही करो ना। क्या करूँ, तुम चाहती हो कि चुपका नारायण गोली से बच गया तो मैं ना बचूं? अरे वो तो पागल है, वो शादी ब्याह की नाजुक बातें क्या जाने, तुम ही जाकर बात करो ना। वाह 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 वाह, अरे जरा सोचो तो सही, मैं लखपति इज्जत वाला बेटे का बाप, मैं एक छोकरी के लिए किसी के सामने जाकर झुकूं? हैं? झुकने से कमर नहीं टूटेगी तुम्हारी, जैसा वक्त हो वैसा करना चाहिए। नहीं 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 लक्ष्मी, मैं इस छोटे पैसे के लिए कहीं नहीं जाऊँ। नहीं जाओगे? नहीं। मैं भी मर जाऊंगी अपने लाल के साथ, मैं अभी जहर पीकर जान दे दूंगी। लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, सुन सुन इधर इधर, जो कभी नहीं किया था वो भी करना पड़ता है, माँ बेटा जब चाहते हैं मेरी दुखती रख पकड़ लेते हैं। चुपके अबे, और चुपके चल मेरे साथ। 13 नंबर 14, हमको डर लगता है, हम जाता है जी। अरे डरने के बच्चे, मैं कहता हूँ चल अंदर चल। नहीं हम तुम्हारा मार खाएगा, तुम हमको मारो, हम उसका मार नहीं खाएगा। सुन तो, आदमी मोटा ताजा है क्या? नहीं नहीं है दुबला पतला, लेकिन क्या है वो हर वक्त गोली चला। हाँ हाँ हाँ, लाता ला। सरकार तुम 5 फुट लंबा रहे ना। 5 फुट बुजदिल कहीं का, बड़े सरकार संभाल के, उसके पास 2 नली की बंदूक है। अरे मैं कहता हूँ चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। Who is that? जी मैं उसे किरामल। तुमको क्या मांगता? देखिए साहब बात ये है। That's all right. Sit down. मैं अपने मुनीम के मुंह से आपकी बड़ी तारीफ सुन चुका हूँ। साहब वो जरा बेवकूफ आदमी है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। That's all right, that's all right. तुमको क्या मांगता है? देखिए साहब आप भी औलाद वाले हैं, औलाद का दुख कितना होता है आप अच्छी तरह समझते हैं। मेरा एक लड़का है, जिस दिन से उसने आपकी बेटी को देखा है बस वो बिस्तर पे तड़प रहा। हमारा बेटी क्यों? कौन सा बेटी? कौन सा बेटी? ओहो तो आपकी बहुत सी बेटियां हैं, भगवान सबको सलामत रखे। मैं ये रूपा देवी है ना, उनके लिए कुछ अर्ज कर। ओ माई गॉड, ये हाउस नंबर 14, हम क्रिश्चियन लोग, तुमको मांगता 14A, एक के चौधरी, उसका लड़की मिस रूपा। ओहो बहुत भूल हुई मुझसे साहब, अफरा तफरी में मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी है, मैं इसके लिए माफी। अच्छा साहब सर माफ कीजिएगा, आपको बहुत तकलीफ हुई है। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू थैंक यू। क्यों भाई चुपके, कहाँ घुस गया था? क्रिश्चियन लोगों के घर में देखता नहीं, कार्ड पे साफ लिखा है ए के चौधरी, 14A सामने का बंगला, सामने का। अरे ये आप 14A सामने का, सॉरी सर हमारा मिस्टेक हो गया। नंबर 14A, नंबर 14A, हाँ हाँ देख लिया देख लिया। अयो यो यो यो, आज पर आने
क्या बात है बेटा? पिताजी वही शिकारी वाला जंगल, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है जंगल वाला शिकारी अपने साथ किसी दूसरे आदमी को लाया है। मैं सच कहती हूँ पिताजी, मैंने सिर्फ उसे एक थप्पड़ मारा था, वो मर कैसे गया मुझे नहीं मालूम, भगवान की सौगंध मुझे नहीं मालूम पिताजी। अरे पर तू इतना घबराती क्यों है? चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ वो किस रिश्तों को लाया है। आ चल। हे भगवान, शिकारी कौन है? डैडी वो मोटा जारिया। और दूसरा आदमी सीआईडी का मालूम होता है, भेष बदल कर आया है। सर तो फिक्र न कर, जब तक मैं जिंदा हूँ किसकी नजर है जो तुझे हाथ लगाए? प्रोफेसर ए के चौधरी साहब, आजी मैंने कहा जरा बाहर तशरीफ लाइए। क्यों आए बाहर? हम कोई किराए के मकान में नहीं रहते। अच्छा तो अगर आप इजाजत दें तो हम ही लोग अंदर हाजिर हो जाएं। क्यों, कुछ तलाशी लेना चाहते हैं? गिरफ्तारी के वारंट लाए हैं साथ। प्रोफेसर साहब डरिए नहीं। आपको किस चुगल ने कह दिया कि मैं डरता हूँ? लीजिए कर लीजिए जो करना है। अजी साहब करना क्या है, हम आपकी लड़की के मुतालिक बात करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरी लड़की के लिए आए हैं, मगर सबूत क्या है? गवाह कौन से हैं? मेरी बेटी ने कत्ल काहे से किया? कोई छुरी चाकू खंजर रिवॉल्वर थाल के कब्जे में? छुरी चाकू? यो यो कैसा बात करते थे तुम चौधरी साहब? ठहरो जी, बीच में मत रोको। तो आप इस कछुए की बात सुनकर चले आए हैं, मगर डॉक्टरी रिपोर्ट क्या कहती है? कत्ल के पीछे मोटिव क्या थे, वजूहत क्या थी? मेरी बेटी को चूहे के बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती थी? चूहे का बच्चा नहीं बोलना जी, ये बड़ा सरकार लाखोंपति आदमी है जी। अबे लाखपति है तो क्या पैसे से हाईकोर्ट खरीद लेगा? कुछ कानून की भी मालूमात है? मैं प्रोफेसर हूँ प्रोफेसर, हिंदुस्तान के कोने कोने में शागिर्द है मेरे, एक आवाज दूंगा तो ऑल इंडिया में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अकेला समझ कर डराने चले आए हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब आप मेरी भी तो सुनिए, ये आपसे किसने कह दिया कि मेरा बेटा मर गया है या मार डाला गया है? मेरा मोती तो जिंदा है और मैं उसी के लिए आपकी बेटी रूपा का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। 7 दिन हो गए हैं प्रोफेसर साहब, बेचारा बिस्तर पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। क्या कहा? मेरी बेटी रूपा का रिश्ता उस टीबी के मरीज के साथ जो आज नहीं तो कल मर सकता है? मेरी बेटी बंदूक की गोली से बच गई तो इस तरह बदला लेने आए हो? शादी के बहाने उसे विधवा बनाना चाहते हो? निकल जाओ, निकल जाओ मैं कहता हूँ, वरना 2 खून हो जाएंगे मेरे। प्रोफेसर साहब मेरी बात तो सुनिए। माई से गेट आउट, मुझे बात सुनने की आदत नहीं। अजी बेटी वाले हो, एक ना एक दिन तो किसी की सुनोगे ही चौधरी साहब। हाँ जी बेटी पराया माल है जी, पराया माल घर में रखना चोर लोग का काम है। तेरे तो चोर की चुप भेज चुके के बच्चे। चौधरी साहब आप इसकी बातों का ख्याल ना कीजिए, ये तो बिल्कुल गधा है गधा। कम आप भी नहीं है इस गधे से। जो जी में चाहे कह लीजिए, मैं इस बेटे के लिए सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। उस बेटे के लिए एक लड़की से नजर मिलाकर 7 दिन से खटिया पे तड़प रहा है? बापा क्या मर्दानगी का नमूना पैदा किया है, तुम्हें देखकर मुझे शर्म आ रही है। रिश्ता लेने चले आए हैं, बेगैरत मस्खरे चिड़ी मार गई, हद हो गई, इस खोटे पैसे के लिए जिल्लत की हद हो गई। सुन बे रीस के बच्चे, क्या कहा? ये तो अभी कुछ नहीं कहा है? आगे सुन, तेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों बैठे हैं तुम में, मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। निकल बाहर, आ जा मैदान में। पिताजी आप भी किन पागलों के मुंह लग रहे हैं? ख्याल कीजिए हमारी कितनी इज्जत है, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? पिताजी आप क्या बचपना कर रहे हैं? निकल बाहर मोटू के बच्चे, या उस्ताद पिद्दी पहलवान। अरे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा, मैं इस मुर्गे की गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा। हर्जा रूपा, जय बजरंग बली। चढ़िया मारे Come on!
की पहलवान। अरे शादी के बाद उसी जंगल में जहाँ जादूगर हिरनी से मुलाकात हुई थी फर्स्ट क्लास बंगला बनाऊंगा। पेरिस से फर्नीचर, जापान से फूल, ईरान से कालीन आएंगे। वाह बेटा, शादी करके माँ को भूल जाओगे? माँ भी रहेगी। और तुम्हारे पिताजी? फालतू आदमी का अपना उधर काम नहीं, पिताजी बहुत भड़कते हैं। ओ पिद्दी पहलवान, तेरा सबसे चुपके ऐसी औलाद से तो कुत्ता पाल लिया होता तो काम आता। क्या हुआ? अरे अरे ये क्या हाल बना रखा है? लो और सुनो, बेटे को जादूगर हिरनी सुन गई थी जो हाय मेरा मोती, हाय मेरा मोती, और मैं उस सांड से पसलियां तोड़वा के आ रहा हूँ तो क्या हाल बना रखा है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। कुछ तुम ही बता। क्या बताओ जी अम्मा, बड़ा सरकार शादी का बात किया तो वो सरकार झगड़े का बात किया, बड़ा सरकार को ऐसा मारा ऐसा मारा जैसा कुमार गधे को मारा। आओ अबे ओ चुपके के बच्चे, कहले कहले की भड़ास निकाल ले, यही मौका है। तो मेरी शादी का पार्टी आउट हो गया क्या? पिताजी आपकी इज्जत, दौलत, बंगले, मोटे, इन सब चीजों से एक छोकरी की प्राइस बढ़ गई ना, और ये सब धरे के धरे रह गए। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं भी आप ही की तरह सारी लाइफ इन बोगस चीजों के चक्कर में काट देता। ओ खोटे पैसे, बकवास बंद करो, दूर हो जा मेरी नजरों से। नहीं, ये मेरे दिल की बात स्लिप होकर आपके मुंह से निकली है। मैं जाता हूँ, आज से मैं जोगी, मेरा नाम मंगल और एड्रेस केयर ऑफ जंगल। बेटा तू जोगी बन गया? ए तू रेडियो बंद करना अपना। अबे ओ चुक्के, इसकी आंखों पे पट्टी बांध के इसे जंगल छोड़ दिया। मैं खुद चला जाऊंगा, धोती बांधने की देर है। संध्या जिंदाबाद। धोती 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 बेटा, मेरी धोती। जो पनोती मोती, कुछ मेरी तो सुन, कुछ मेरा तो ख्याल कर बेटा, मैं तेरी माँ। नहीं, जन्म का रिश्ता कच्चे धागे से बना था, टूट गया, अब मेरे अंदर ट्विस्ट आ गया है, यानी कि परिवर्तन। संन्यास जिंदाबाद। तेरे जिंदाबाद की तो ऐसी की तैसी। मिस्टेक हो गई, मुरादाबाद, फिर मिस्टेक, मुरादाबाद। समझ गया, पिताजी ने इस मुनीम के बच्चे का वोट तोड़ लिया, कुछ परवाह नहीं। जरा रबर के बाटली से सेकना जी, बदन ठीक हो जाएगा। अबे इस खोटे पैसे को यहाँ से दफा हो जाने दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो तुम मेरा लाल मुझसे छीन कर ही दम लोगे? सुन लो, अगर मेरी गोद उजड़ी तो तुम्हारा घर भी उजड़ जाएगा। हाँ 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 हाँ, तेरी गोद ही तो सब कुछ है, हम तेरे क्या हैं, तू हमारी कौन है? मैं पत्नी हूँ लेकिन माँ भी। जरा अपने बाप को चिट्ठी लिख के पूछ, तू पहले पत्नी है के माँ? संन्यास जिंदाबाद। मोती आओ, हिचकी तेरा सत्यानाश। देख लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं जानता हूँ तो ढोंग कर रही है लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। समझ चुके, इस घर में ये हिचकियों को लाने वाला तू है, तू ही सारे फसाद की जड़ है। जा जा, रोक ले अपने बाप को, नहीं तो तुझे नौकरी से और तेरी सारी पलटन को इस घर से मैं दफा कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना जी, मैं मर जाऊंगा। मैं फिर ट्राई करता हूँ। मोती सरकार, हमारा नौकरी जाता है जी। तो घबराता काहे को है, अबे खर्चा एकदम कम, 1,000 रुपए का धोती ले और मेरे साथ हो जा, मैं बोलूंगा संन्यास तो बोल जिंदाबाद। ऐसा कैसा हो सकता है जी, तुमको संन्यास अच्छा नहीं जी, तुमको तो दुनिया में रहना चाहिए। नहीं, दुनिया ने मेरा दिल तोड़ दिया है। तोड़ दिया तो क्या हो गया, हम उसको जोड़ देगा, हमको एक 10 दिन का टाइम दो। ये बात है। हाँ। देखो चुपके नारायण, मैं बड़े से बड़े शैतान का मुकाबला कर सकता हूँ लेकिन तुम जैसे शरीफ आदमी का सामना नहीं कर सकता। 10 दिन के बाद मुझे रोकना मत। नहीं रुकूंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस? हाँ। संन्यास मुर्दाबाद। नहीं नहीं, फिर मिस्टेक हो गया, 10 दिन के बाद बोलूंगा जिंदाबाद।
नाथ जी, इतनी डोसा ठंडा होता है जी, थोड़ा खाना खाओ जी। हमारा भूख मर गया जी, मोती सरकार संन्यास लिया तो हम मर गया, और हम मर गया तो तुम मर गया, और तुम मर गया तो सब मर गया। कैसा खराब बात बोलता है जी, तुम खाना नहीं खाएगा हम तुम्हारे पुस्तक को आग लगाएगा जी। अयो रानी पद्मिनी, पुस्तक को आग नहीं लगाना, पुस्तक को आग नहीं लगाना। 10 दिन का टाइम, उसमें से 2 दिन चला गया, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। क्या करना, मिल गया। क्या मिल गया? वंडरफुल आइडिया मिल गया। आइडिया? हाँ। कैसा? कृष्ण भगवान गोपियों से होली खेलता है। रानी पद्मिनी जी, अभी होली को कितना दिन बाकी है? 3 दिन। 3 दिन तो अपना काम हो गया। अभी कोई नहीं मरेगा, तुम नहीं मरेगा, हम नहीं मरेगा, अभी कोई नहीं मरेगा। तुम जाता किधर पजी? स्वामी ने थोड़ा खाना तो खा कर जाओ जी। हम वापस आके फिर खाना खाएगा। तुम हमारे लिए पोंगल, तहर वड़ा, उपीट, इडली, सांभर सब बना के रखो। हम 3 दिन का राशन 1 दिन में सापट करेगा। हाँ जी, जहर को जहर मारता जी, कांटे से कांटा निकलता है जी। एक चोकरी मोती सरकार पर जादू करता, दूसरी उतारता है। तरकीब तो अच्छी है। हाँ, जल्दी बंदोबस्त करो जी, होली का दावत दे दो, अच्छी अच्छी चोकरी बुलाओ। मोती सरकार एक चोकरी पसंद करता, एक से शादी कर दो, दो पसंद करता, दो से शादी कर दो। यो फिर मिस्टेक हो गया जी, दो नहीं एक से शादी कर दो जी। हाँ बस ठीक है, होली की तैयारियां करो, लेकिन होली बड़ी ठाठदार होनी चाहिए। अरे मोती,
मोती कौन सी पसंद की है? बेटे इनमें से कौन सी पसंद है? जादूगर हिरनी। अरे जादूगर हिरनी के बच्चे, मैं कहता हूँ इनमें से कौन सी पसंद की है? जादूगर हिरनी। मेरा लाल, मेरा पसंद। क्या हो गया? चुपके के बच्चे। मोती बेटा। जय गुरुदेव। मोती बेटा। माता जी मेरा दूध बख्श दो और पिताजी से कह दो आशीर्वाद देना हो तो दे दे। मोती बेटा ये घर तेरे बिना सूना हो जाएगा, मत जा। ब्लू कबाट में मेरी तस्वीर पड़ी है, सुबह शाम देख लिया करना और समझना कि मैं मर गया। हाँ है मरे तेरे दुश्मन। तो फिर मुझे जाने से मत रोको, मेरा आबोदाना जंगल पहुँच गया है। संन्यास जिंदाबाद। ओ मोती। जी पिताजी। अरे मोती मैंने मुँह से दो चार बातें ही कही होगी, तलवार तो नहीं मारी? तलवार का जख्म तो फिर भी भर जाता है पिताजी, लेकिन बातों के जख्म की दवा तो मुल्ला बकरी के पास भी नहीं है। मेरा टाइम अप हो गया है, मैं जाता हूँ। जय गुरुदेव। मोती मोती बेटा। संन्यास जिंदाबाद। छोटे सरकार अब रोकने से कुछ फायदा नहीं मुनीम जी, जूता उतर चुका है, पांव उठ चुका है। रोकता नहीं छोटे सरकार, भेंट करता हूँ जी। स्वीकार करो नल्ले जोगी। अरे वाह खरताल, मुनीम जी तुमने सिपाही के हाथ में तलवार दे दी है। आहा कितना मीठा आवाज है मुनीम जी, इसके म्यूजिक में झूमता हुआ इंसान सीधा स्वर्ग तक जा सकता है। संन्यास जिंदाबाद। अबे यार चुपके, कितना अच्छा दिखता है छोटा सरकार। आप तो तुझे गाली देने की ताकत भी नहीं रही, जा इसके पीछे जा और देख जाता कहाँ है। जा। अच्छा जाता हूँ, एक आठ आना। अरे जाना। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। देखो हमारा नाम न लेना अब अपने दीवानों में। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। दुनिया का हुस्न है मालिक, उस दुनिया में क्या रहते। जिस दुनिया का हुस्न है मालिक, उस दुनिया में क्या रहते। ओ जुल्फों वालों नाज तुम्हारे, आखिर कब तक हम सहते। तुम महलों में मस्त रहो, हम कुदरत के मैखानों में। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। भला हुआ ना कभी किसी का इश्क की झूठी बस्ती में। अरे भला हुआ ना कभी किसी का इश्क की झूठी बस्ती में। अच्छा हुआ के रोग ये छूटा, अब गुजरेगी मस्ती में। ना दिल में अरमान ही होंगे, ना हलचल अरमानों में। हसीनों संभालो अपनी ये दुनिया, हम तो चले वीरानों में। Thank you.
ना खुशी से काम हमें ना मतलब है बर्बादी से। अब न खुशी से काम हमें न मतलब है बर्बादी से। आप बजाए अपनी बंसी नगर नगर आजादी से। कोई जिए या मर जाए हम मस्त हैं अपनी तानों में। हसीनो संभालो अपनी ये दुनिया हम दो जले वीरानों में। तो देखो हमारा नाम न लेना अब अपने दीवानों में। तुम कौन हो बच्चा? महाराज को क्यों सैंडविच कर रखा है? आपकी कृपा चाहते हैं महाराज। महाराज के पास सिवाय इस लकड़ी के और कुछ भी नहीं है बच्चा। नहीं महाराज, आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी सेवा करेंगे। मतलब की बात करो बच्चा। महाराज मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, बहुत कुछ कहा सुना लेकिन वो नहीं सुनती। वो नहीं सुनती तो तुम उसकी सुनो बच्चा। महाराज कोई और रास्ता बताइए। और तीन रास्ते है, एक पुलिस चौकी जाता है, दूसरा जे अस्पताल जाता है और तीसरा जिधर हम जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, उल्टे सीधे की जगत है। महाराज मुझे रात को नींद नहीं आती। रात में नींद नहीं आती तो दिन को सो बच्चा। दिन में काम काज रहता है महाराज। काम काज रात में करो बच्चा। राम नाम सत्य है, उल्टे सीधे की जगत है। महाराज मैं बहुत करता हूँ महाराज, मुझे सत्य के दो आंकड़े दीजिए। सत्य के दो आंकड़े के बच्चे, एक लकड़ी में चार दांत गिराऊंगा। एक लकड़ी चार दांत कैसे चौका? मिल गया, मिल गया। राम नाम सत्य है, उल्टे सीधे की सत्य है। बाबा है ये बालक, उठो बच्चा, क्या लेने आए हो? महाराज मैं अक्षय जग से बंधन तोड़ आया हूँ, अकेला हूँ, हजारों आफतें झेलेला, लाखों दुख सहेला हूँ। बसा ले अपने मन में, अपनी कुटिया में जगह दे दे। गुरु तुझको बनाता हूँ, कसम से तेरा चेला हूँ। महाराज मैं शांति ढूंढ रहा हूँ, मुझे शांति चाहिए। शांति मनुष्य के मन में होती है बच्चा। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन बाहर निकालने का कुछ उपाय है? यही कौन करता है? इतने ऊंचे दरबार में बैठने का चांस मिले तो कैरेक्टर भी ऊंचा रखना चाहिए। तो महाराज बालक ठीक कहता है जगन्नाथ। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव मेरे पाँव में भी अपनी बेड़ियाँ डाल दीजिए। जब दुख और विपदा आती है तो मनुष्य संसार से भागता है, किंतु समय बीतने पर यही संसार उसे सुंदर लगता है। अपने घर वापस जाओ बच्चा। मेरा कोई घर नहीं, मैं अकेला हूँ, मुखड़े में कह चुका हूँ। महाराज मुझे तो आप अपना योगी बना लो। योग की राह बड़ी कठिन है बच्चा, ये दूध माखन से पाला हुआ शरीर योग का सहन नहीं कर सकेगा। आपकी मदद से सब कुछ हो सकता है, और फिर मैं चोट खाया हुआ आदमी हूँ, बहुत जल्दी पिकअप कर लूंगा। योग में शरीर को भस्म और मन को मारना पड़ता है बच्चा। मुझे मंजूर है, मैं मारूंगा, भले ही मेरी जान जाए लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा महाराज। योग नीम का कड़वा रस है बच्चा। कुछ परवाह नहीं, मैं काफी करेले की भाजी खा चुका हूँ, ये नीम का रस भी चाय समझ के पी जाऊंगा महाराज। तेरी बातें चंचल हैं बालक, और चंचलता संसार की शोभा है। वापस जाओ और सच्चे कर्मचारी बनो। कमाल है, आदमी संसार से घबराकर गुरुजी के पास आता है और गुरुजी विदाउट टिकट उसको वापस संसार में। कुछ तो सोचिए गुरुजी। ऐसे विचार से मन छोटा ना करो बालक, भगवान तेरी चिंता दूर करेंगे। अच्छी बात है, लोहे ने सोचा था पारस के साथ लग के सोना बन जाएगा, उसको क्या मालूम था साथ लगना ना लगना पारस के हाथ से। जाता हूँ वापस उसी खड्डे में। ठहरो बच्चा, तेरी बात मेरे मन को लगी है, मैं तुझे योगदान करता हूँ। वाह महाराज वाह। जय
जय। गुरु रामनाथ की जय। गुरु रामनाथ की जय। गुरु रामनाथ की जय। लक्ष्मी लक्ष्मी मैं कहता हूँ आ खाना खा ले। अच्छा मैं खा लूं और मेरा लाल भूखा प्यासा ना जाने कहां कहां भटक रहा होगा। अरे कुछ नहीं होता तेरे लाल को, वो मुनीम का बच्चा है ना उसके पीछे गया है, अभी अभी कुछ खबर लाता होगा। आजा खाना खा ले। आप लगे तुम्हारे खाने को, तुम्हें तो हमेशा खाने की पड़ी रहती है। अरे मैं कहता हूँ तेरा मोती हमारा भी तो कुछ लगता है। अगर तुम्हारा कुछ लगता तो उसे रोकते, घर से ना जाने देते। भगवान जब वो तेरे कहने से नहीं रुका तो मुझे तो उसने हमेशा फालतू आदमी समझा है। चलो जी तुम्हारा कलेजा तो ठंडा हुआ, जब देखो खोटा पैसा मिल गया। मोती सरकार का पता मिल गया जी। कहाँ है मेरा लाल? मोती सरकार तो बहुत दूर गया जी, बहुत गाना गाया, बहुत पब्लिक जमा किया। अबे और चुपके मतलब की बात कर, मैं पूछता हूँ तेरा बाप इस वक्त है कहाँ? मेरा बाप मद्रास के स्वर्ग में है, वो तो मर गया जी। अब तुझे छोड़ गया यहाँ? अरे मैं कहता हूँ मोती कहाँ है? हाँ हाँ वो गुरु रामनाथ के डेरे में है जी। कहाँ? गुरु रामनाथ के डेरे में? हाँ जी। मगर तुम उसको साथ क्यों नहीं लाए? अयो अम्मा गुरु रामनाथ के डेरे में आदमी का पांव जा सकता है लेकिन बाहर आना रंबो कस्टम। देखो जी जैसे भी हो तुम जाओ गुरु जी के डेरे, नहीं तो मोती जोगी बन के कहीं चला जाएगा। मैं जाऊँ लेकिन उसे राजी करने के लिए जादूगर हरनी कहाँ से लाऊं? अच्छा तो मैं जाती हूँ, आओ मुनीम जी मेरे साथ। अयो अम्मा गुरु रामनाथ के डेरे में स्त्री का पांव नहीं जा सकता जी। मैं गुरु जी के डेरे नहीं रूपा के पास जाऊंगी, मैं देखूंगी वो कौन सी जादूगरनी है जो ममता की गोद से लाल छीनना चाहती है, वो कौन सा बाप है जो दूसरों की औलाद का जीवन बर्बाद करना चाहता है। लक्ष्मी ओ लक्ष्मी मैं फिर से कह देता हूँ, उस सांड के दिल में रत्ती भर रहम नहीं है, मैं देख चुका हूँ। तुम देख चुके हो, अब मैं देखूंगी। चुपके अबे ओ चुपके जाए जी। साथ जा इसके, वो सांड से मैं भी डरता हूँ जी। अबे गधे सुन मैं क्या कहता हूँ, तू घड़ी हाथ में लेकर मकान के बाहर बैठे रहना और अगर ये 10 मिनट के अंदर अंदर बाहर ना निकल के आए तो पुलिस में रिपोर्ट लिखा देना। पुलिस में रिपोर्ट? हाँ। वंडरफुल आइडिया है जी। जा। लोग रिश्ता लेने के लिए क्या क्या झूठ बोलते हैं और आप कहती हैं कि आपका लड़का सन्यासी बन गया, तो मैं बेवकूफ हूँ जो आंखों देखते जहर पी लूं और उस पागल से अपने बेटी की शादी कर दूं। कौन कहता है मेरा मोती पागल है? ऐसा ना कहिए चौधरी साहब, वो तो हीरा है हीरा। हाँ हाँ हर माँ अपने औलाद को हीरा समझती। हीरा अगर हीरा है तो उसे तिजोरी में बंद करके रखो। मैं आपके आगे झोली फैलाती हूँ चौधरी साहब। तो तुम्हारी झोली भरने के लिए मैं अपने घर को आग लगा दूं। हद हो गई, लड़का पागल, बाप चिड़ी मार और माँ ममता का ढोंग रचा कर लूटने चली आई है। क्षमा करो देवी, कोई और घर देखो, बड़ी आई है रिश्ता मांगने। ढोंग माता जी, क्या तू ही रूपा है बेटी? हाँ माता जी। जीती रहो बेटी, क्या तू भी इसे ममता का ढोंग समझती है? नहीं माता जी, मैं आपके दुख को अच्छी तरह जानती हूँ। तो फिर तू ही इस दुख की दवा है बेटी, मेरे मोती ने सब कुछ तेरे लिए छोड़ा है, तू चाहे तो मेरा उजड़ा हुआ घर आबाद हो सकता है, तू रानी बन के राज करेगी बेटी। लेकिन पिताजी ही मेरे सब कुछ हैं, मैं उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। माफ करना बेटी, ममता के जोश में मुझसे भूल गई, अच्छे घर की लड़की को माँ बाप की मर्जी के बगैर कुछ करना भी नहीं चाहिए। लेकिन माता जी मैं कोशिश करूंगी कि आपका लड़का आपके घर वापस आ जाए। सच? हाँ मेरे लिए यही बहुत है, मेरा मोती घर आ जाए बेटी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। जीती रहो। Thank you.
ही ये बालिका है। जादूगर हिरनी। बालक, स्त्री मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। तू इस परीक्षा में कामयाब हुआ, हम तुम्हें बधाई देते हैं। काय का कामयाब गुरुदेव, ये आग बंद थी लेकिन मन की आग से सारा जलवा देखता रहा। उसके बाद भी कामयाब तो आपकी मर्जी, लेकिन इस टाइप की दूसरी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी परीक्षा और है बालक है? कल से नगर को जा और 12 घर से भिक्षा मांग कर ला। संन्यास के साथ जो मांगेगा दान कर दूंगा। जय गुरुदेव। भिक्षा दे बच्चा। महाराज, धंधा बहुत नरम है, भिक्षा कहां से लूंगा, मुझे क्षमा करो। क्षमा किया बच्चा, चिंता मत कर, धंधा गरम हो जाएगा। जय गुरुदेव। आंखों के सामने था तो मैं उसे नजर भर के देखता भी नहीं था, और अब नहीं है तो हर तरफ मोती ही मोती दिखाई देता है। वो देखो, झूले पे उल्टा लटका हुआ बंदर कहीं का है। वो देखो, गाना गा रहा है, तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना नालायक। किससे बातें कर रहे हो? अरे जोगी बन गया, जोगी बन के नारा लगा रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे ये तो मेरे मोती की आवाज है, मोती। आ गया उल्लू का पट्टा। जय गुरुदेव। मेरा नाम, मेरा बच्चा, ये जहाज बना रखा है मोती। हमारा नाम मोती नहीं, दुखभगननाथ है। भिक्षा दे बच्चा। अरे अरे अरे, बाप को बच्चा कह रहा है, अरे कुछ तो शर्म कर। हम जोगी हैं, जगत पिता है, भिक्षा मांगते हैं। जय गुरुदेव। भिक्षा दे देवी। भिखारियों से भिक्षा देती महाराज, ये तो खारू चढ़ा हुआ है। धीरज रख, भिक्षा लेट मत कर, मन की मुराद पूरी होगी। कह रहा जोगी, मैं अभी लाती हूँ भिक्षा, अभी लाती हूँ। जय गुरुदेव। नीचे मत उतरना बच्चा, एक चिंता दूर वरना भस्म हो जाएगा। जय गुरुदेव। रानी पद्मिनी, एक अन्ना कुंडवा। रानी पद्मिनी, अब तुम्हारा चूड़ा नहीं टूटेगा जी। क्या मोदी सरकार का कोई खबर है जी? हाँ जी, माँ जी उस छोकरी को छोटे सरकार के पीछे लगाया, वो जादूगर आदमी को। हम मोदी सरकार का बस रोज प्रार्थना करते हैं जी। आप प्रार्थना नहीं करना जी, आप तो खुशी मनाओ, वो बड़ा सरकार अपने को बख्शीश देने वाला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यो, ये मोदी सरकार की आवाज, आप तो मर गया। जोगी बाल ब्रह्मचारी है बच्चा, भिक्षा दे। अयो, मोदी सरकार, आपने ये क्या भेज दिया जी? हमारा नाम मोती नहीं, दुख भगंदा से बच्चा। भिक्षा दे, टाइम वेस्ट मत कर बच्चा। भिक्षा कैसे दे जी, हम आपको नमक खा जी हो। नमक खाया तो नमक हलाली करो, भिक्षा दे बच्चा। आप दुनिया में वापस आ जाओ मोदी सरकार, हमारा बाल बच्चा भूखा मर जाएगा, ये भूखा मर जाएगा, हम क्या करेगा। समझ गया, तुम बातों में भिक्षा गोल करना चाहते हो, सुखी रहो। जय गुरुदेव। मोदी सरकार है, मोदी सरकार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भिक्षा दे बच्चा। अबे इतना बड़ा हट्टा कट्टा मुसंदा, तुझे भीख मांगते शर्म नहीं आती, कमाता क्यों नहीं? कमाने का आर्डर नहीं है बच्चा, हम सन्यासी है, योगी है। अबे योगी है तो बाहर खड़ा रहकर भिक्षा मांग, तू तो हीन हीन आता हुआ मेरे घर के अंदर घुसा है। हर घर भगवान का घर होता है बच्चा, और योगी उसका दास, इसलिए जहाँ चाहे आ सकता है, जा सकता है। तू मुझे योगी तो नहीं, एक बहुत बड़ा ठग नजर आता है। जो जैसा हो योगी में उसको वैसा ही रूप नजर आता है बच्चा। अबे सच्चे योगी भिक्षा मांगने के लिए इस तरह बकवास नहीं करते। भिक्षा देने वालों का स्टैंडर्ड भी गिर चुका है, इसलिए जैसी जनता वैसा योगी। जय गुरुदेव। रूपा, अरे ओ रूपा, अरे भूत को भिक्षा दे दे, चल दे भिक्षा ले, दफा हो। और भी भारत नाट्यम दिखा रहा है। और भी जो कुछ कहना है कह लो बच्चा, योगी को सब्र की प्रैक्टिस करना पड़ती है, तुम जैसे दो चार और मिल गए तो योगी सॉलिड हो जाएगा। जय गुरुदेव।
अरे इस लंगूर का मुंह क्या देख रही है, चल अंदर। अपने अंदर कहा जा रहा है? भूल हो गई बच्चा, तेरी बातों से भेजा फिर गया था। योगी समझा के बाहर जाने का रास्ता ये है, तो फिर आओ तेरी दे बच्चा। अबे तो फिर आ गया, ये मेरा दूसरा राउंड है। गुरुजी का आर्डर है 12 घर मांगने का, ये मेरा 5वां घर है बच्चा। अबे तो 7 घर और कहीं जाकर मांग, टाइम कमती है, इसलिए यही घर 7 बार मांग लूंगा। बात एक ही है बच्चा। अबे तो भिक्षा मांगने के लिए तुझे यही घर नजर आता है? यही घर, यही देवी। देख ले, मैं तेरे इस भेष की कदर करता हूँ, वरना तेरी गर्दन तोड़ चुका होता। निकल जा, अब भी वक्त है। बच्चा तू इसी कंपाउंड में सेठ हीरामल से लड़ चुका है, योगी सब जानता है। लड़ना तेरा धंधा है और जिद करना योगी का काम, भिक्षा लेके जाएगा। जय गुरुदेव। मैं तुझे अच्छी तरह से भिक्षा देता हूँ। मोहल्ले वालों से मैं मांग लूंगा बच्चा, तू अपने घर से दे दी। भाइयों देखो, साफ करो, आजकल चोर उठाए गिरे भी साधुओं के भेष में आने लगे हैं। मुझे तो इस बच्चे की नजरें खराब लगती है। तुम्हारे घर में भी बहु बेटियां हैं, ये मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। आओ मिलकर इसके हड्डी पट्टी तोड़ डाले, जो जुर्माना हो काम भर देंगे। चार्य की बातों में ना आना, 30 दिन से दूर रहना। बाल ब्रह्मचारी योगी मोड़ में आए, जला कर भस्म कर देगा। चमत्कार! पिताजी ये क्या गजब कर रहे हैं? जो दुनिया त्याग के जंगलों में जा बैठे, उस बेचारे को क्या मारना, जो भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। पिताजी ये योगी नहीं सोता है, बड़ा सच्चे योगी इस कथे की तरह अड़ीवादी करते हैं। पिताजी ये कौन सी धन दौलत मांग रहा है, सिर्फ मुट्ठी भर अन्न के लिए तो अड़ी कर रहा है, दे देंगे तो कौन सी कमी आ जाए। अरे बेटा इसके 6 राउंड अभी और बाकी हैं, और कल से अपने पार्टी के 10-12 मुस्टंडों को लेकर अगर आ गया तो एक दिन इस गधे की तरह मुझे राउंड लगाने पड़ेंगे। ऐसा ना कहिए पिताजी। अच्छा एक बार भिक्षा और दे दे, अगर इसने 3रा राउंड मांगा तो वो उसका आखिरी राउंड होगा। तो बकंदाज यहाँ आया हुआ है? आदमी क्यों जमा है? जरूर कोई गड़बड़ मालूम होती है। आओ ठहरो, यहीं से देखते हैं क्या मामला है। जय गुरुदेव। ला मुझे दे, ले बे, दफा हो। मेरा कटोरा 15 साल गुरुजी की सेवा के बाद मिला था, कटोरा फूटा, योगी टूटा, मेरा सर्टिफिकेट, गंगा जी का जल, हरिद्वार की मिट्टी, मेरी बनारस, मगर तू बड़ी घटिया मिट्टी का बना है, तेरा फैसला। अरे ये तो रामनाथ जी का बालक है बच्चा। रामनाथ जी का उठाओ बालको। अगर हम समय पर न पहुँचते तो इसकी मृत्यु हो जाती। गुरुदेव मारने का कारण? गुरुदेव नगरवासी कहते हैं कि ये चातर है, घमंडी है, कपटी है, पापी है, पराई स्त्रियों को उतारता है। बात का बतंगल क्यों मनाता है जगन्नाथ? इतनी सी बात को रबड़ की तरह खींचता है। गुरुदेव ये पहले ही दिन से मुझ पे जलता है। तूने किस कारण हट की थी बच्चा? नौकरी के कारण गुरुदेव। हमने तुझे चेतावनी दी थी कि स्त्री बड़ी हो तो उसे माँ समझना, छोटी हो तो बहन समझना। लेकिन गुरुदेव ना तो वो छोटी है ना बड़ी, बिल्कुल बराबर की है भाई चांद। पराई स्त्री को घूरना पाप है बालक। गुरुदेव वो पराई नहीं, मेरे दिल की रानी। तूने कहा था संसार में तेरा किसी से कोई संबंध नहीं है बच्चा। मैंने झूठ कहा था गुरुदेव, ये सोच करके बड़े लोग माफ कर देते हैं, वो जगन्नाथ की तरह लीचर नहीं होते। योग लेते समय तूने ये भी कहा था बालक, मर जाऊंगा किंतु पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, मर तो रहा उस छोपड़ी पर, कहाँ हटता हूँ पीछे गुरुदेव। मेरी बात समझ बालक, स्त्री का रंग रूप ढलती छाँव है। स्त्री का रंग रूप क्या गुरुदेव, दुनिया की हर चीज ढलती छाँव है। किंतु योग अमर है बालक,
देख, योग के दम से जंगल आबाद है, प्रेम के दम से दुनिया आबाद है। गुरुदेव, ये आपके जंगल वंगल सब उसी में आ गए। वो प्रेम स्त्री का नहीं, भगवान का प्रेम है बालक, जिसका पथ योग भक्ति है। सब पथ यानी कि सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। भगवान का प्रेम स्त्री प्रेम से भी स्टार्ट हो सकता है, ये अपना आइडिया है। नहीं चला, मैंने बड़ी भूल की बालक, जो तुझे योगदान किया। ये आपको योगी बनाने से पहले सोचना चाहिए था। आप वचन दे के फंस चुके हैं और मैं जानता हूँ कि गुरुजी अपने वचन से नहीं फिर सकते। हमने तुझे भोला भाला समझा था बालक, परंतु तू बड़ा चतुर और लोभी निकला। एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ सुबह तक लड़की मान जाए, दोपहर तक बाप राजी हो जाए और शाम को दोनों का लगन। बालक को ले जाओ जगन्नाथ का भेजा फिर गया। नहीं गुरुजी, आप मुझे लड़की दान कर दो, नहीं तो मैं भूख हड़ताल करके अपनी जान दे दूंगा। ठीक, संभालो दुष्ट, तूने हमारी दया देखी है, गुस्सा नहीं देखा, दे जाओ इसे जगन्नाथ। नहीं नहीं जगन्नाथ, जगन्नाथ बाबू, जगन्नाथ जी बाबू, जगन्नाथ जी घमंड ही तुझे देगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कहता इसे दरख्त से नहीं, दरख्त को इससे बांध दो। बाबू जगन्नाथ जी, तुम बदला ले रहे हो और ये संन्यास के प्रिंसिपल के बिल्कुल खिलाफ है। ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे? ऊपर वाले को जवाब मैं दे दूंगा, तुम नीचे वाले का मुंह बंद करो। बहुत बोलता है मुंह मेरा, मैं कहता हूँ लोगों को अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो मुझे। ये ओनली जेंटलमैन है भैया, यो वेंकट रमणा, ये छोटे सरकार ने क्या किया? ये लड़की के लिए माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, घर को भी छोड़ दिया। ए टमाटो बटाटो, ठीक हो तुम, बड़ा होगा तुम, हमको नहीं छोड़ना। एकदम आइडिया आ गया, अभी हम जाता है। तुम किधर को जाता जी? हम उसके गुरुजी के पास जाता जी। नहीं नहीं जी, तुम गुरुजी के पास रखो जाओ जी, क्योंकि तो तुमको भी सन्यासी बना देना, हम छोटे छोटे बच्चे को लेकर किधर जाएंगे जी? रानी पद्मिनी ने जी, तुम इतना बच्चा को जन्म काहे को दिया? कैसा बात करता जी, बच्चा हमको भगवान ने दिया है जी, वही वो लोग का रक्षा करेंगे जी। क्या रक्षा करेगा, 125 रुपए तनखा मिलता है, अभी हमको पान बीड़ी का दुकान खोलना पड़ेगा, तुमको वहाँ बैठना पड़ेगा। तुम रोता काहे को जी, सब काम भगवान पर छोड़ो जी। कैसा छोड़ो जी, भगवान हमारा नौकर नहीं है जी, हमारा काम हमको ही करना पड़ेगा। रानी पद्मिनी जी, एक आइडिया आ गया। क्या आइडिया जी? अब मोदी सरकार को चोरी करेगा। अयो तुम ऐसा नहीं करो जी, तुमको पुलिस पकड़ेगा। रानी पद्मिनी जी, हमारे आइडिया तुम्हारे मगज में नहीं आया, अब मोदी सरकार को उठा के लाएगा। सन्यासी लोग की ड्यूटी मुलुक मुलुक में बदलता, वो कल किधर जाएगा तो हम किधर ढूंढेगा जी? गुरु जी के साथ में बहुत से चेला लोग हुएंगे जी, वो तुम्हारा इडली डोसा बनाएंगे तो हम तुमको किधर से लाएंगे जी? यो वंडरफुल है रानी पद्मिनी जी, तुमने हमको बेस्ट आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया जी? वो अभी हम बोलता नहीं, आज रात को हम 10-12 गुंडा लोग लेके जाएगा। स्वामीनाथ, उधर जाकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना जी। तो क्या होगा, वो वेंकट रमना समझेगा, आज रात को जबरदस्ती हम मोदी सरकार को उठा के लाएगा। भगवान हमारा चुका नारायण का रक्षा करना जी। कितना हसीन ख्वाब है। ख्वाब नहीं, तुम जाग रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ऐसा तो फिर फौरन बचाओ, देर किस बात की है? पहले मेरी बातों का जवाब दो। सवाल करो देवी, उत्तर हाजिर है। ये सन्यास का भूत तुम्हारे सिर से उतरा है या नहीं? तुम्हें देखते ही रफू चक्कर, मेरा मतलब है 9-2-11 हो गया। करेक्ट, अगर मैं तुम्हें खोल दूँ तो कहाँ जाओगे? सीधा तुम्हारे घर। सब करेगी तो तुम खोलो तो सही, जहाँ बताओगी वहाँ चला जाऊंगा बस। सीधे अपने घर, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। तुम खोलो तो सही, मैं जहाँ कहोगी वहाँ चला जाऊंगा। तुम्हारा कोई अखबार नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। अच्छी बात है भाई, नेकी और पूछ पूछ, जल्दी खोलो।
की मोदी सरकार नया रंगरूप को ज्यादा टंगी रखता है। बड़ा सरकार, बड़ा सरकार। अरे शाबाश, अरे शाबाश। अरे तूने तो कमाल कर दिया। कहाँ है? ये देखो जी मोदी सरकार, ये देखो हम जान जोखिम में डाल के लाया जी। पूछो किधर से? किधर से? गुरु रामनाथ के बच्चे। अरे शाबाश मुनीम के बच्चे, मैं तो तुझे बिल्कुल उल्लू का पट्टा समझे था, लेकिन तू तो बड़ा काम का आदमी निकला। थैंक यू सर। वांगा अम्मा, वांगा शीघ्र वांगा। अरे कहाँ है? ये है। अरे तुम दोनों खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मुंह तो खोलो मेरे लाल का। अभी खोलता हूँ। खोलो खोलो। मोतीलाल। अयो गुरु रामनाथ जी, हमें कौन दुष्ट उठा के यहाँ लाया? हमारे हाथ से मिस्टेक हो गया, हमने आपको माफ किया है। आपको नहीं, मुझको बोल, मुझको। आपको भी गुरुदेव, मेरे मुनीम से भूल हो गई है, इसे क्षमा कर दीजिए। हमने क्षमा किया, किंतु इस मूर्खता का कारण मैं बताता हूँ गुरुदेव। मेरा एक ही बेटा है मोती, जो आपके डेरे में जाकर योगी बन गया है। मोती? अच्छा, वो चंचल बालक जो कहता था मैं जगत में अकेला। गुरुदेव, वो इस घर का उजाला है, उसे वापस लौटा दीजिए। माताजी, बिल्कुल गुरु जी का डुप्लीकेट बालक। ठहरो बच्चा, इधर आओ हमारे पास। मैं सच कहता हूँ गुरुजी, मैं सिर्फ माताजी के दर्शन के लिए आया था, मैं तो वापस मर जाता हूँ। बैठ जाओ बच्चा। गुरुदेव, हम तेरी कहानी सुन चुके हैं बालक, तेरे जाने का कष्ट न कर, अपने माता पिता की सेवा कर और जगत के मीठे फल भी खा। तेरे लिए संसार ही सबसे बड़ा योग है बालक। थैंक यू गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और एकदम से बहादुर सूरमा बन जाऊं। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं बालक। थैंक यू गुरुदेव। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। हाँ दे दीजिए, यही है वो जिनके लिए, आप समझ गए होंगे। गुरुदेव, कुछ ऐसा प्रबंध कर दीजिए इसका बाप रिश्ते के लिए मान जाए, वो बहुत पत्थर दिल का आदमी है। हाँ गुरुदेव, मेरी भी दो चार हड्डियाँ उसने तोड़ दी थी। जगन्नाथ मुझे उन्हीं के घर से उठा कर लाया था, बड़ा जालिम बाप है ये, तो अभी तक घर जाने से डरती है। तू बेखटके घर चली जा बच्ची, भगवान ने चाहा तो आज से उनके मन में कठोरता की जगह प्रेम होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। तू आ गई बेटा। पिताजी, बात यह है कि बात कुछ भी नहीं पिताजी, वो हमारी क्लब की मेंबर है ना, मिस मैंगो, वो जा रही होती पिताजी। महालक्ष्मी के पुल पर कार का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जो स्लिप हुई तो सीधा ग्रैंड रोड, ग्रैंड रोड से चर्च गेट से रिगल सिनेमा। बस पिताजी, एक तो अकेले अकेले पिक्चर देख के आई और फिर ऊपर से बातें बनाती। पिक्चर? हाँ पिताजी, पिक्चर बड़ी लाजवाब पिक्चर थी। वाह गुरुदेव। गुरुदेव? हाँ डैडी, उस पिक्चर में एक गुरुदेव थे, ये लंबी दाढ़ी, क्या लाजवाब काम था उनका। अच्छा तो चलो खाना खा ले, एक बज गया है, आज मैंने खाना अपने हाथों से बनाया है। आपने खाना अपने हाथों से बनाया है? वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव। मैं जानता हूँ बेटी, तू अभी तक मुझसे नाराज है। किस बात पर? वही उद्योगी की बात पर, खाम खाम आ बैठा बेचारे। किसी ने सच कहा है कि गुस्सा पागलपन से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है, मैं अभी तक पछता रहा। जी हाँ, उस दिन मैं आपको रोकती रही, आपने बेचारे सरजी को कितना मारा लोगों के सामने। उसके लिए भी मुझे अफसोस है, मैं कल ही जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। तो क्या आप उनके घर जाकर माफी मांगेंगे? हाँ। वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव। उस दिन उस लड़के की माँ भी आई थी बेचारी। क्यों बेटा, शादी के बारे में तेरी क्या मर्जी? डैडी, आप मुझसे क्या पूछते हैं? जो आपकी मर्जी वही मेरी मर्जी। अगर मेरी मर्जी पूछती है तो सुन, जहाँ मर्द औरत से ज्यादा प्रेम करे उस घर में औरत का राज होता है, मुझे तो तेरे लिए यही घर पसंद। वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव। अरे ये क्या है पिताजी? तेरी दीदी का टेलीग्राम, वो इसी हफ्ते कलकत्ते से वापस आ रही है। तो क्या दीदी भी आ रही है? वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव। मैं हैरान हूँ कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। सर उसके आने पर सब मालूम हो जाएगा, ले अब तू खाना खा। अच्छा डैडी, वाह गुरुदेव। ओ मोती,
तुझे तो गुरुजी आशीर्वाद दे गए हैं। हाँ। तू अपनी माँ के साथ चला जा, मेरी तो अभी तक पसलियाँ दुख रही हैं। आपकी तो खाली पसलियाँ दुख रही है ना, मगर मेरा तो पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। अरे तो फिर क्या करें? अरे मैंने कहा कोई है घर में? चौधरी साहब आइए आइए, धन्य भाव हमारे, पधारिए पधारिए। ये बला तो यहाँ तक आन पहुंची। अजी कल से इतना परेशान था कि रात मुश्किल से कटी। कहाँ है मेरे भाई साहब और मेरा मोती बेटा? अभी आते हैं। अजी मैंने कहा हमें भी इसकी क्या जरूरत है, अब तो कुएं प्यासे के पास आ गया है। आप तो मुझे शर्मिंदा करती है मोती। इस सांड की नीयत अच्छी नहीं दिखती, तू पहले बाहर जा। नीयत अच्छी नहीं दिखती तो कुर्बानी के लिए मुझे भेज रहे हैं क्या? मोहब्बत है बाप को बेटे से। अच्छा भाई तो ले टॉस कर लेते हैं। बोल हेड के टेल? हेड मेरा हेड तो बचा। तो फिर मेरे हेड की बारी है। सुन मोती सुन, बात बिगड़ते देर नहीं लगती। अगर मैं फंस गया तो पिद्दी पहलवान का नारा लगाऊंगा, फौरन मदद को आ जाना, एक और एक 11 उठते हैं। आप पहुंचो तो सही। ये बात क्या है भाई साहब, बाहर क्यों नहीं आते? बस आते हो लीजिए प्रोफेसर साहब, मैं हाजिर हो गया। बाबा क्या ठाट बात है सेठ हीरामल जी, आज तो गले मिलने को जी चाहता है। अच्छा जी, तो आइए गले मिलिए। क्या उस्ताद सिद्धि पहलवान, क्या बजरंगी बली। मगर सेठ जी मैं सुलह के लिए आया था। माधव बाबू हो जा रहा है, काम दो। क्या हो गया? मैं बात देता हूँ। आज तेरे लिए क्या जी भाग जा। चौधरी साहब माफ कीजिएगा, क्या हिमाकत हो गई थी मुझसे, तशरीफ रखिए। कोई बात नहीं सेठ जी, ऐसी ही हिमाकत मुझसे भी हो गई थी। ये तो वही साधु है। अजी चौधरी साहब, इसी शक्ल का एक साधु हमारे यहाँ भी आया था। कौन साधु है वो, क्या कोई मेरा रिकॉर्ड खराब कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, तुम बाहर जाओ, रूपा गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे बाप पिताजी बाबू संभालो। हाँ तो मैंने कहा सेठ जी, इत्मीनान से कहिए, इत्मीनान से कहिए। खून हो गया, पुलिस, खून हो गया। खून? किसका खून, किसने किया? तुम्हारे बाप की बेटी ने, मेरे बाप के बेटे का। ये क्या मजाक? मजाक नहीं हकीकत है, दिल की गर फेफड़ा तीनों ही जख्मी। झूठा नहीं, मैं सच कहता हूँ। ये लिबास, ये अदा, ये नजर, ये जगह जगह थर्ड क्वालिटी की है, आप बदली करें। मगर पिताजी, उनको भी बदली। क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो ना, खुशी की महफिल में क्या काम जलने वालों का। मैं ये कह रहा था सीतामन जी, मेरी बेटी रूपा को लड़का पसंद, मुझे भी रिश्ता मंजूर है, मेरी तरह से बात पक्की समझिए। और ये लीजिए शकंदर, लाइए मुझे दीजिए। हाँ हाँ तुम ही ले लो, और जाओ भाई इनके लिए को मिठाई उठाई तुम भेजो। अच्छी बात, वाह गुरुदेव, यहाँ भी गुरुदेव। हाँ चौधरी साहब, मुझे अपने गुरुदेव याद आते, या पिद्दी पहलवान। अजी अंधा के मांगे दो आंखें, आपने तो हमारा बोझ हल्का कर दिया। कहिए शादी की कौन सी तारीख तय किया? जरा ठहरिए से, मेरी बड़ी लड़की गीता इसी हफ्ते कलकत्ते से आ रही है। दुनिया के रिवाज के मुताबिक पहले मैं उसके हाथ पीले कर दूं, तब तक रूपा आपकी अमानत के तौर पर मेरे पास है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अदाएं जब हो लटकेदार, निगाहें भी हो झटकेदार, तो बचके जाएं कहाँ दिल वाले, तो बचके जाएं कहाँ दिल वाले, तो बचके जाएं कहाँ दिल वाले। रसीले नैन मुसाफिर मार, वो बातें जिसकी लच्छेदार, तो बचके जाएं कहाँ दिल वाले, तो बचके जाएं कहाँ बचके जाए दिल वाले। प्यार
को खोटा पैसा, ये ना जाने वक्त पड़े पर काम ये आए कैसा। अकल की अंधी दुनिया समझे प्यार को खोटा पैसा, ये ना जाने वक्त पड़े पर काम ये आए कैसा। कोई लाख करे इनकार मगर जब हाथ पकड़ ले यार तो बच के जाए वहाँ दिल वाले, शाबाश तो बच के जाए वहाँ दिल वाले। अदाएं जब हो लटकेदार, निगाहें भी हो झटकेदार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, शाबाश तो बच के जाए कहाँ दिल वाले। हम तो हैं तैयार, हो दो का नाम ही जोड़ीदार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले। रसीले नैन मुसाफिर पार, वो बाते जिसकी लच्छे दार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, शाबाश तो बच के जाए कहाँ। एक दुपट्टे वाली भला प्यार था जिसने आकर दिल में की दीवाली, पर दे गई मुझको भी फुलझड़ियां एक दुपट्टे वाली। कभी वो पहने चूड़ीदार, कभी जालिम काली शलवार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले। नसीले नैन फिर वो बातें जिसकी लच्छेदार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, शाबाश तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, शाबाश तो बच के जाए कहाँ दिल वाले। अदाएं जब हो लच्छेदार, निगाहें भी हो झटकेदार, तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, शाबाश तो बच के जाए कहाँ दिल वाले, शाबाश तो बच के जाए कहाँ दिल वाले। हाँ, मैंने रूपा की शादी पक्की कर ली है, घर अच्छा है, धन दौलत सभी कुछ है, बस देर इस बात की है कि तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं इसके हाथ की लेकर। इसे क्या हो गया? दीदी क्या है? दीदी तुम्हारा चेहरा तो गुलाब के फूल की तरह खिला रहता था, इस बार अपनी हंसी कहाँ छोड़ आई हो? मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी जब तक ये नहीं बताओगी कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतने बदल क्यों गई हो? क्या मेरी शादी की बात पसंद नहीं? तुम्हारी शादी में मेरी पसंद का क्या मतलब? फैसला तुम्हारे हाथ में है दीदी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी मेरी भी नहीं हो सकती। तो सुन रूपा, तेरी शादी कभी नहीं होगी। दीदी इससे ये ना समझना रूपा कि मुझे तुम्हारी खुशियों से कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मगर तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ कि तुम कभी शादी ना करना। मर्दों की जात बड़ी बेवफा है, धोखेबाज है, खुदगर्ज है। कैसी बातें करती हो दीदी, किसने तुम्हें धोखा दिया है? छोटे जिद नहीं किया करती, जाओ मुझे अकेली छोड़ दो, जाओ
मैं तो तुम्हारी दीदी का मूड देखकर ही डर गया था। तुम नहीं जानते मोती, मेरी दीदी कितनी शोक और हसमुख थी। मगर ये अपने टाइम पर क्यों गाली कर रही है? मुझे क्या मालूम। मैं समझ गया, इसकी बैकग्राउंड में जरूर कोई ना कोई इश्क अलफड़ा है। शादी के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारी दीदी का किस हाथ में लूंगा। शादी? किसकी शादी? तुम्हारी दीदी की छोटी बहन की। नहीं समझी? अच्छा, तो सेठ हीरामन के छोकरे से कहना कि जरा मुंह धोकर रखे। ठीक है, मगर कौन से साबुन से? ओहो, तुम तो बुरा मान गए। इधर हम लोगों की जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मोती, ये मत भूलो कि जब तक दीदी की शादी नहीं होगी, हमारी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि फिर से संन्यास का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। मोती, दीदी रात भर कमरे में टहलती रहती है और मैंने तो उसकी रोने की आवाज भी सुनी है। रोती है और टहलती है, टहलती है और रोती है। ऐसा तो आज हम लोग छुप के देखते हैं। मुझे तो मामला बड़ा गंभीर दिखाई देता है। भाग हमारे, कहिए आज कैसे कृपा की आपने? देखिए जी, मैं ये कहने के लिए आया हूँ, रूपा और मोती की शादी फिलहाल नहीं हो सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? जी, मेरी बड़ी बेटी गीता का सर फिर गया है। न जाने क्या बात है, वो किसी तरह शादी पर राजी नहीं होती। तो कोई बात नहीं, उसकी शादी बाद में हो जाएगी, पहले आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? बड़ी के होते छोटी की शादी कर दो तो दुनिया मुझे क्या कहेगी? आखिर ये मेरी इज्जत का सवाल है। जी हाँ, इस बात से तो मैं भी डरता हूँ। लड़का एक दफा जोगी बन चुका है, अब की दफे मदारी बन गया तो सारे शहर में मेरी इज्जत की डुबड़ी बच जाएगी। तुम तो हमेशा ऐसे ही बात करोगे। चौधरी साहब, मेरा मोती बड़ा ही सियाना बेटा है और फिर गीता की शादी तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। कहीं ना कहीं हो जाएगी, लेकिन कब हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, किसके साथ हो जाएगी, और अगर ना हुई तो? चौधरी साहब, मामला बहुत सीरियस है, आइए हम दोनों इस पॉइंट पर जरा सोचें। देखिए, आप लोग सोचिए, मैं चाय भिजवा देती हूँ। तस्वीर किसकी है? तू गीता विद लव नरेश, ये नरेश कौन है? मुझे नहीं मालूम। अरे ओ, ये देखो, इस अखबार में उसी का फोटो है। मर्डर इन अ गैम्बलिंग डेन, जुआरी का दर्दनाक अंजाम, कातिल नरेश को मौके वारदात पर गिरफ्तार कर लिया गया। अरे ये देखो, जुए खाने में झगड़ा, एक हलाक कातिल शराब के नशे में चूर था। बाप रे, केस तो बहुत भारी है। समझ गई, जिससे दीदी ने प्यार किया वो धोखेबाज शराबी और खूनी निकला। यही वो बदमाश है जिसने मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। और हमें कहाँ आबाद होने दे रहा है? ये क्या है? अरे, नरेश का खत। गीता, शायद दुनिया वालों की तरह तुम भी मुझे कातिल समझती हो, लेकिन मैं सच कहता हूँ गीता, ये वाकया कैसे हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अगर मेरे पास रुपया होता या मेरा कोई साथी, दोस्त या हमदर्द होता तो शायद मैं अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सकता। धोखेबाज बदमाश, मौत के मुंह में जाकर भी झूठ बोलता है। रूपा, मैं कहता हूँ ये आदमी बिल्कुल बेकसूर है, इसके एक एक लफ्ज से सच्चाई की फ्लेवर आती है। हाँ हाँ, तुम्हें तो सच्चाई की फ्लेवर जरूर आएगी, दाद भाई है ना इसलिए। मगर मैं पूछती हूँ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ है। क्या? मैं अगर इसकी जगह होता तो डिक्टो ऐसा ही खत लिखता तुमको, बाय गॉड, वर्ड बाय वर्ड। मैं तो कहता हूँ मैं इसकी जरूर मदद करूंगा। मगर मैं पूछती हूँ कैसे? हम उसके दोस्त और हमदर्द बन के कलकत्ते जाएंगे। रहा माल का, तो पिताजी की तिजोरियां भरी पड़ी हैं, जो आज तक 90% गलत कामों में खर्च होता रहा है। आज जबकि चांस मिला है तो क्यों ना सही जगह खर्च करके एक बेगुनाह को बचाया जाए। वो बच जाएगा तो तुम्हारी दीदी खुश हो जाएंगी और लगन नंबर वन हो जाएगा, उसके बाद लगन नंबर टू, नहीं तो तुम उधर मगन, हम इधर मगन, नो लगन। तो फिर कलकत्ता। ओके ओके। Okay.
शरद मोती नरेश के खिलाफ सबूत हैं, फैक्ट हैं कि उसने कंपनी में 50,000 रुपए का गबन किया, क्लब गया, जुआ खेला और जब हार गया तो उसने मिस्टर साहूकार का फोन कर दिया। क्लब के जितने लोग थे सब ने इस बात की गवाही दी। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है। माफ कीजिए मिस्टर मोती, दिल की गवाहियों पे अदालत फैसले नहीं करती, अदालत सबूत चाहती है। सबूत? सबूत के लिए उसका ये लेटर है, इसमें उसने साफ लिखा है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। उसके लिखने से क्या होता है, हर मुजरिम अपने आप को निर्दोष समझता है। अच्छा ये बताइए आपका नरेश से रिश्ता क्या है? नरेश मेरा भाई है। देखिए ना, हर इंसान एक दूसरे का भाई होता है। तो इस हिसाब से सिर्फ कलकत्ते ही कलकत्ते में उसके 20 लाख भाई हुए। आप बराए मेहरबानी अपना और मेरा वक्त जाया ना कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए वकील साहब, हम बहुत दूर से आए हैं, आप मेहरबानी करके उससे एक दफा मुलाकात करवा दीजिए। प्लीज वकील साहब। ऑलराइट। जब आपकी मेरी जान पहचान नहीं, दोस्ती नहीं, तो फिर इस हमदर्दी की वजह क्या है? क्यों, बगैर वजह की हमदर्दी नहीं हो सकती? नहीं, इस दुनिया में बगैर वजह के दुश्मनी हो सकती है। एक बेगुनाह पर खून का इल्जाम साबित हो सकता है, लेकिन हमदर्दी नहीं हो सकती। हमदर्दी नहीं होती तो हम लोग ग्रेटर बॉम्बे से कलकत्ते झक मारने चले आए। देखिए ये खत आपने गीता को लिखा था। गीता? हाँ, ये गीता की बहन है। आप समझ गए हमदर्दी का सबब? I'm so sorry. अब सारी वारी छोड़ो, 6 मिनट तो आपने इंट्रोडक्शन में खराब कर दिए। जल्दी से बताओ कि हुआ क्या था। मैं 8 साल से बंगाल कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर कैशियर मुलाजिम था। हजारों लाखों रुपया रोजाना मेरे हाथों से तकसीम होता था। हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास मूनलाइट क्लब के मालिक मिस्टर बांके बिहारी का आना जाना था। उनसे मेरी मामूली सी जान पहचान थी। एक रोज मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। हेलो मिस्टर नरेश, अरे आप यहाँ क्या खड़े हो कर? जी कुछ नहीं, जरा आइए, तशरीफ लाइए। नहीं नहीं, आप तकलीफ न कीजिए। अरे भाई तकलीफ की कोई जरूरत नहीं, जहाँ कहोगे मैं छोड़ दूंगा। ओ आइए आइए बैठिए। आप हैं मिस सारा, हमारी मूनलाइट क्लब की डांसर, और आप हैं मेरे दोस्त मिस्टर नरेश। दोस्त? खुद तो मोटर कार में घूमते हो और बेचारा दोस्त पैदल। अरे मैं तब तक यही समझे हुए था कि इनके पास गाड़ी है। क्यों मिस्टर नरेश? अजी साहब 350 रुपए में गाड़ी कहाँ, बड़ी मुश्किल से टांगे चलाते हैं। अब ज्यादा शर्मिंदा न करो मिस सारा, मैं थोड़े दिनों में मिस्टर नरेश की काया पलट दूंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू। हेलो गीता। अच्छा जी, तो आपके 3 अब बजे हैं, पिक्चर तो शुरू हो गई होगी। मैं क्या करता, पूरा आधा घंटा बस स्टॉप पर खड़ा रहा। आप टैक्सी में आ जाते? टैक्सी 350 रुपए में किराया, खाना, कपड़ा और ऊपर से टैक्सी। तुम्हें तो घर से पैसे आ जाते हैं ना, तुम्हें किस बात की चिंता है? अरे आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ गीता, ये भी कोई जिंदगी है। लोगों की तरफ देखो, उनके पास मोटरें हैं, बंगले हैं, रुपया है। तो क्या विचार, चोरी करोगे या डाका डालोगे? अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी गीता, आज किस्मत ने एक ऐसे आदमी से मिला दिया है जो मालदार ही नहीं बल्कि देवता भी है। कौन है वो? मूनलाइट क्लब का मालिक मिस्टर बांके बिहारी। इस वाक्या के 6 दिन बाद, जबकि मैं अपने काम में मसरूफ, एक दुबला पतला आदमी दाखिल हुआ। मिस्टर नरेश। आओ। ये बांके बिहारी साहब ने थी। गुड लक, आपके नाम पर एक छोटा सा कारोबार किया था, प्रॉफिट में से 500 रुपए आपका हिस्सा भेज रहा हूँ। आपका दोस्त बांके बिहारी, प्रोप्राइटर मूनलाइट क्लब। 500 रुपया? गीता 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 बैठ जाओ। ये लो, और ये, और ये। ये क्या है? जेवर है, साड़ियां हैं, यूं समझो कि नई जिंदगी की तैयारियां हैं। मगर ये तो कहाँ से लाए हो? इत्मीनान रखो गीता, ये कोई चोरी या डाके का माल नहीं,
लो ये पहल। नहीं, पहले ये बताओ तो रुपया कहाँ से लाए। ओहो, अरे भाई तुम्हें बताया था ना मिस्टर बाकी बिहारी के मुतालिक। हाँ, मगर वो बिन मांगे आपको क्यों दे रहा है? क्योंकि वो देवता है और देवता बिन मांगे ही दिया करते। मुझे तो डर लगता है, मगर जान पहचान के देने वाले लोग अच्छे नहीं होते। तुम घबराओ नहीं गीता, ये आंखें कैशियर की आंखें हैं जो खरे और खोटे को खूब पहचानती है। लाओ मैं तुम्हें पहना दूं। उस दिन कंपनी के स्टाफ को तनख्वाह बटने वाली थी, इतने में बांके बिहारी खुद आ गए। हेलो मिस्टर नरेश, गुड मॉर्निंग। हेलो मिस्टर बांके बिहारी, कहिए कैसे आना हुआ? माफ कीजिएगा, आप बहुत ज्यादा मसरूफ नजर आते हैं, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, नहीं कोई बात नहीं। मैंने एक फ्लैट देखा था, बाय द वे आपका ख्याल आ गया, इट विल सूट यू लाइक एनीथिंग। बड़ी नवाजिश की आपने, उस दिन भी आपने इतनी कृपा की, आप कितना ख्याल रखते हैं मेरा। नहीं छोड़िए इन बातों को, आप हम कहीं तकल्लुक कर रहे हैं। बड़े साहब ने बुलाया। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं अभी 5 मिनट में हाजिर। कोई बात नहीं, परफेक्टली ऑल राइट। सिर्फ 7 मिनट के बाद जब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के कमरे से बाहर निकला तो तंग बांके बिहारी जा चुका था। ये साहब कब गए मालूम नहीं। कैश बॉक्स खाली था और टोटल 50,000 रुपया गए। अब क्या होगा, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। स्टाफ का शोर मेरे कानों में गूंजने लगा, मैं घबरा गया। एकदम मुझे ख्याल आया कि रुपया बांके बिहारी ना ले गया हो। बांके बिहारी भाई, मिस्टर बांके बिहारी कहाँ है? क्या काम? बड़ा जरूर काम है, मुझे जल्दी बताओ मिस्टर बांके बिहारी कहाँ है। वो इस वक्त बिजी, आप शाम को आइए। अरे शाम तक तो गजब हो जाएगा, मैं पूछूं मिस्टर बांके बिहारी कहाँ है। मिस्टर बांके बिहारी कहाँ है? हेलो नरेश। ये तो आपने अच्छा नहीं किया, वो रुपया मुझे वापस लौटा दीजिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या चाहिए ना तुम्हें? आओ मेरे साथ, रुपया मिल जाएगा। कम ऑन डोंट वरी। घबराओ नहीं, अंदर आओ। ये क्या करता है? यह है कंपनी का रुपया, बिल्कुल वही नोट, लेकिन मालिक बदला हुआ। यही रुपया, अबे हाँ, वही रुपया, ये दाम, यही रुपया। अरे खामोश इस बैठे। हाँ सेठ जी, लास्ट राउंड, कम। लीजिए। नहीं नहीं, मेरा रुपया। अरे शरबत है, पी लो, रुपया भी मिल जाएगा। गो अहेड, पी लीजिए प्लीज। लो सेठ जी, 5,000। चलिए शाम। मेरा रुपया, वो ले जा रहा है तुम्हारे रुपए। जा ले लो उससे, मैं कहता हूँ जा। साहब, हमारे क्लब की तमाम शहर में इज्जत और शोहरत है। हमारे यहाँ थिएटर के खेल, क्लासिकल डांस और गाना वगैरह होता है, जुआ कभी नहीं होता। ये तो मेरी लाइलमी में नरेश ने स्वर्गवासी सेठ नटवर लाल के साथ जुआ खेला और ज्यादा हारने पर उन्हें गोली मार दी। बेचारा नशे में ये हरकत कर गया। इंस्पेक्टर साहब, इस बेचारे को फांसी तो नहीं होगी? ये फैसला तो अदालत करेगी। राइट राइट, तमाम गवाह मौजूद हैं और रिवॉल्वर तो खुद आपने उनके हाथ से लिया है। मैं बेकसूर, मेरा रुपया, मेरा रुपया। दैट्स द पिटी ऑफ इट, बेचारा अब तक नशे में झूम रहा है। निकल इनको पुलिस चौकी, आपको भी साथ चलना होगा। बिल्कुल जरूर, चल तशरीफ ले चलिए। लेकिन किसी ने एक ना सुनी, कंपनी में मेरी 8 साल की शराफत किसी काम ना आई। इसके बाद टाइम हो गया,
अच्छी बात है नरेश, तुम घबराओ नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। मैं कानून और इंसाफ का दरवाजा पूरी तरह खटखटाऊंगा, चाहे लाखों रुपया खर्च करूंगा। नमस्ते। बड़ी जालिम है ये मर्दों की दुनिया, पैसे के लिए धोखा, फरेब, खून, क्या क्या करते हैं। याद रखो, इसमें औरतों का हिस्सा भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ, आंसू और आह, ये है बेचारी औरतों का हिस्सा। तुमको अपनी दीदी याद आ रही है और मैं उस डांसर तारा के बारे में सोच रहा हूँ। तारा? हाँ भाई, वो क्लब की डांसर। बाकी बिहारी का पार्टी आउट करने के लिए पहले उस डांसर को कब्जे में करना पड़ेगा। वो कैसे? ये तो क्लब जाने के बाद ही मालूम होगा। नहीं नहीं मोती, भगवान के लिए वहाँ न जाना, वो लोग बड़े खतरनाक हैं। तो तुम घबराती क्यों हो? अरे भाई, बंगाल का भी वही भगवान है जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का है। यानी अगले बुधवार को मिस तारा का इससे भी बढ़िया डांस होगा, जरूर तशरीफ लाइए। अरे गजब नू डांस करे थे, जरा हूं प्रेजेंट। मेहरबानी। काका जी मर गयो, मैडम तारा बहुत बढ़िया डांस करता है, हम उसको बख्शीश देने को जाता है। सामने जा। ड्रेसिंग रूम। ए, ए,
कीड़े तो कोई भी नहीं है। तारा भाई कौन है? बॉम्बे थिएट्रिकल कंपनी का मालक कासम अली तैयब जी बन्नू को वाला। कहिए क्या काम है? हमारा तरफ से तुम्हारे को प्रेजेंट। थैंक यू वेरी मच। सच कहते हैं अखा आकाश में परिलोक भी तुमसे अच्छा डांस नहीं कर सकता है। तो आप बम्बे से आए हैं? आना पड़ गया, स्टेज के ऊपर पब्लिक है ना, बेड़ा बेड़ा अंधा जिसको बोलता है स्टेज पे मारता है, बोलता है तारा खुलाओ तारा खुलाओ तारा खुलाओ। यकीन नहीं हो तो कलकत्ता मेल का ड्राइवर को पूछो। आइए बैठिए। तो क्या बम्बे में लोग मुझे जानते हैं? अरे चांद और तारे का लाइट तो अखा दुनिया में पड़ता है। इधर तुम्हारे को पगार कितना है? बस सिर्फ 500 रुपए महीना। बस 500 रुपया? अरे 1000 रुपया महीना, ने 3 महीने का 3000 एडवांस। ये जरा इसके ऊपर अंगूठा लगा देना जरा मैडम। ये थैंक यू। मगर ये बाकी बिहारी कैसे जाने देगा? बाकी बिहारी कौन, तुम्हारा बाप है क्या? नहीं जी, यहाँ क्लब का मालिक है, जगह जगह उसके आदमी खड़े हैं, यहाँ से निकलना बहुत कठिन काम है। तो अपने पास तरकीब एकदम आसान है, जरा गुलदस्ता ले। देखा तरकीब, एक तरकीब इसके अंदर में बंद है। इसमें कार्रवाई डबल है। ये देखिए, इसको कहते हैं बुर्का। इसको पहनोगी ना तो क्या मालूम पड़ेगा तारा भाई है कि जैतून भाई है, समझे ना? लो जी लो, मैं हॉल में चलता हूँ और तुम उधर आ जाना, मैं बुलाऊंगा जैतून भाई, तुम बाहर निकल आना। अच्छा ओके ओके। ये लो। जैतून भाई, जैतून भाई। ओ, जिधर जाता है गायब हो जाता है। चलो ओके। अच्छा शेर साहब, दोबारा जरूर तशरीफ लाइएगा और साथ में जैतून भाई को भी लाइएगा। ये अभी इधर नहीं रहेगा, मुंबई को जाता है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। चलो मूनलाइट क्लब जिंदाबाद। कमान तारा देवी। मैडम रूपा बैसी जाओ। रूपा देवी ए मिस्टर, कौन हो तुम? तुम्हें को मालूम है कि तुम बॉम्बे थिएट्रिकल कंपनी का मालक कासम भाई तैयब जी बंदूक वाले से बात करता है अंग्रेजी? ए ये क्या बकवास है, निकलो यहाँ से वरना अभी पुलिस को टेलीफोन कर। एक्सीलेंट, वंडरफुल, कितना बढ़िया एक्टिंग करता है मोदी। मैडम तारा, आपको हमारी हीरोइन से मिलाता हूँ। ये है बॉम्बे थिएट्रिकल कंपनी की हीरोइन रूपा देवी, और ये कलकत्ते की बेहतरीन डांसर मैडम तारा, जो बम्बई में भी चमकने वाला है। नमस्ते नमस्ते। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ज्यादा खुशी तो मुझे आपसे मिलकर हुई है क्योंकि बॉम्बे में भी आप और हमारा साथ है। अच्छा मैडम तारा, मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा तारा देवी, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। अरे रे, ये क्या नाटक कर रही हो मोती? इस नाटक का नाम है असली हुनी और वो पकड़ा जाएगा मिस तारा के थ्रू। मगर इसको यहाँ क्यों लाए हो? ताकि तुम इसकी जगह पहुँच जाओ। नहीं नहीं, मैं वहाँ अकेली नहीं जाऊंगी। ओहो, अकेली क्यों? थोड़ा गैप दे के मैं भी तो आऊंगा ना पीछे पीछे। मगर इसकी देखभाल कौन करेगा? उसके लिए गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट खोल रखा है, उसका नाम है CID। अच्छा सुनो, बुध को यानी कि 3 दिन के बाद इसी का डांस क्लब में होने वाला है, ये है अपने लिए मौका। सुनो प्रोग्राम ये है। बेवकूफ, गधा, इडियट, अगर आज शाम को डांस ना हुआ तो क्लब की कितनी बदनामी होगी, कितना नुकसान होगा। हमने 3 रोज तक शहर में जगह जगह तलाश किया है बॉस, तारा देवी अगर शहर में होती तो जरूर मिल जाती। तारा का बच्चा, वो नहीं तो किसी और डांसर को ले आना था। डांसर के लिए इश्तेहार दिया है बॉस। शट अप, गेट आउट, आई से गेट आउट। बॉस एक लड़की लाया, A1 लड़की। बोला बोला, आइए मैडम, आइए 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 आइए। आ गई बॉस। इधर आ गए। अबे ये लड़के हैं? नाचते A1। नाचते हैं? गाती भी है बॉस A1।
चाहती है मैडम सैंपल प्लीज जाने दिल को ना मेरे जलाया करो बंद करो देखो इसे जिस जंगल से लाए हो वहीं छोड़ा चलो गिरो इधर इधर आ देख अपनी सूरत दो तीन साल तक मत दिखाना समझा गेट आउट निहाल बॉस बॉस एक लड़की आई है फिर लड़की आइए आइए थैंक यू जी आपने इश्तिहार मिस रूपा मैंने यहाँ आकर सुना कि मिस तारा जी छोड़िए चांद के सामने तारों का जिक्र बिल्कुल फिजूल है मिस रूपा फरमाइए आपके टर्म्स क्या हैं मेरा ख्याल है कि आप मेरा डांस देखने से बेहतर हैं मिस रूपा बांके बिहारी की नजरें हजारों पर्दों में छुपे हुए आर्ट को देख लेती है अच्छा पीटर यस सर इधर देखो लुक एट मी बोर्ड पर नोटिस लगा दो कि पुराना सितारा डूब चुका है और आज रात को एक नया चांद हमारे मूनलाइट स्टेज पर जलवा कर दूंगा लेने का वास्ते क्लब गया ना तो उधर पुलिस ही पुलिस खून का केस क्या कोई नया केस हो गया नवा नहीं लफड़ा पुराना जे वो नरेश नाम का आदमी छूट गया क्या कहा नरेश
छूट गया है। हाँ, बाके बिहारी पकड़ गया, बोलता होता कि गोली तारा ने चलाया करके। नहीं नहीं, मैं निर्दोष हूँ, गोली बाके बिहारी ने चलाई थी। सच? ऐसा? कसम खाऊंगी, खाऊंगी, खाऊंगी। हाँ हाँ, मैं कसम खाती हूँ। एक मिनट, इंस्पेक्टर आउनी आउनी, अंदर आओ। ये है आपका विटनेस नंबर वन, जल्दी से बयान लो। हाँ, हाँ, तैयार वाली कसम भाई बंदूक वाला। वंडरफुल लाजवाब, हर एक की जबान पर यही अल्फाज है मिस रूपा, तशरीफ रखिए। थैंक यू। मैं आपको इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। कदरदानी का शुक्रिया, वरना मैं किस काबिल हूँ। लेकिन वो दिन दूर नहीं मिस रूपा, जबकि आप अपने इस आर्ट की बदौलत शोहरत के आसमान पर चमकेंगे। ये 2 साल का एग्रीमेंट है, आप अपने मुबारक खातों से साइन कर दीजिए। एग्रीमेंट? माफ कीजिए, मैं व्हाट्स रॉन्ग, क्या बात? मैं मिस बाल्टीमोर से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। मिस बाल्टीमोर? जी हाँ, मिस रॉड्रिका बाल्टीमोर, वो मेरी दोस्त है, गार्डियन है, यानी कि सभी कुछ है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उन्हें कल ही बुलवा लेती हूँ, दरअसल मैं उनके बिना रह के नहीं सकती। श्योर श्योर, जरूर बुलाइए उन्हें। क्या नाम बताया था आपने? मिस रॉड्रिका बाल्टीमोर। मिस रॉड्रिका बाल्टीमोर। ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, आओ मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊं। ये है मिस रॉड्रिका का बाल्टीमोर और आप हैं बाके बिहारी, प्रोप्राइटर मूनलाइट क्लब। हाउ डू यू मैडम, प्लीज टू मीट यू, नाइस यंग मैन। अरे रे, आओ अंदर आओ। आपकी फुर्सत में मैं कल रात भर सोया नहीं, लेकिन इतनी बात है, गाता रहा रोया नहीं। अरे ये क्या हरकत है, बैठो यहाँ। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और यहाँ रात भर मेरी जान सूखती रही है। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है मोती? क्यों, क्या बात है, आदमी ठीक नहीं, जगह ठीक नहीं। अरे यहाँ तो रात भर जुआ, मारा मारी और जाने क्या क्या घोटाले होते हैं। ये लोग बड़े खतरनाक गुंडे और खूनी हैं। चलो भाग चले यहाँ से। भाग चले उस बेचारे बेगुनाह को जेल में छोड़ के? देखो रूपा, अधूरा काम छोड़कर भागना मर्दों की निशान के खिलाफ है ना। मैं तो मालूम करके रहूंगा कि खूनी कौन। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि खूनी इन्हीं में से कोई है, मगर हम अकेले कर भी क्या सकते हैं, यहाँ तो डाकुओं की पूरी फौज है। ओफो, तो हम कौन से अकेले हैं, इनके पास डाकुओं की फौज है तो अपने पास तोपखाना है। ए, ये देखो इसमें 6 और इसमें भी 6 और जरा मुंह, ए इसमें भी 6 और इसमें भी 6, कितने हो गए? 6×22 22 नहीं 24। ओ, 2 सिपाही कम कर रहा था। कम इन प्लीज। ये आपका मेला। थैंक यू। क्या जवान छोकरे लोग को मंकी के माफक टुकुर टुकुर देखता है? अब प्लीज हमारे टैक्सी के अंदर से सामान मंगाने के बोलो प्लीज। ए गो, थैंक यू। सबसे बड़ा खतरा तो ये है, कल से मुझ पर रुमाल झाड़ रहा है, कहता है कि तुम संगीत और कला की देवी हो, नाचती हो तो जमीन की रफ्तार रुक जाती है, सितारों की चाल थम जाती है। ऐसा कहा उसने? हाँ। तब तो काफी समझदार है। फिर मजा, तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं। ये मजाक का वक्त नहीं, सोचने का है। ना तो ये वक्त मजाक है, ना वक्त सोचना है, ये वक्त खाना है, इसलिए पहले खाना और बाद में सोचना। आइए आइए चौधरी साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। अजी, बच्चों को गए हुए 4 दिन हो गए हैं, न खबर न खैरियत न चिट्ठी न पत्थर, आखिर ये माजरा क्या है? आप तो मुस्कुरा रहे हैं। अजी चौधरी साहब, मैं ये सोच के मुस्कुरा रहा हूँ कि ये मोहब्बत प्यार यानी कि लव बड़ी अजब वस्तु है। देखिए मेरे खोटे पैसे को पारस बना दिया, काया पलट दी मेरे बच्चे की। अजय, आपके बच्चे की तो काया पलट गई है, मगर ये मिट्टी की काया कांप रही है, मेरा दिल घबरा रहा है।
बिल्कुल मत घबराइए चौधरी साहब, मैं आपसे कह देता हूँ, मेरा मोती है ना मॉडर्न जमाने का नेपोलियन है, सिकंदर आजम है, अजी मैं आपसे कहता हूँ नर है, नर का बच्चा है। मैं सच कहता हूँ मजनू बिल्कुल बेवकूफ था, मेरी तरह लेडी के कपड़े पहन के लैला के घर में घुस जाता, क्या मजाल थी जो उसका बाप भी पहचान लेता। तो फिर क्या होता? ये खटखट नहीं होती। Come in, please. माफ कीजिएगा मिस रूपा, मैं आपसे ये कहने आया था कि क्लब में कोई कमरा खाली नहीं है, अगर आज की रात मिस बेल्टीमोर आपके कमरे में सो जाए तो आपको इतराज तो नहीं होगा? ये और मेरे कमरे में सोएगा? हाँ, सोएगी, no objection, please. That's right. मैं बेड साथ ले आया हूँ, अभी भिजवा देता हूँ। मगर सुनिए सुनिए, ये मिस बाल्टीमोर है ना, ये रात को बहुत जोर जोर से खराटे लेती है, नींद में बड़बड़ाती है, आप इसका कहीं और इंतजाम कर दीजिए प्लीज। अरे बाबा भेद नहीं खुलेगा, तुम दरवाजा तो खोलो रूपा। मुसीबत है, अब क्या करूं? आइडिया। अब काबू आया बाल्टीमोर का बच्चा, इसी में सो जाओ।
आप सुनो। ₹100 Oh. 100, my God. Okay, hamra for 100. Another 100. Just hamra for 100. 100. Aapka bag. Well, tum hamra se chawaki banata nahi. Okay, hum tumha card dekhenge. Open karo. Teen badshah. समझ गई है, नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ छोड़ो ना मैम, ओके बाय। तो कल रात तुम्हें बाथरूम में बंद करना काम आ ही गया। अरे मैं तो कहती हूँ किस्मत ने तो साथ दिया है कि जवाब नहीं, वरना टेन को ढूंढने में हुलिया टाइट हो जाता। लेकिन मोती, डेन में जाते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? आशिक निदर की तरह बोलो ना। कहने का ये मतलब है कि आशिक निदर होते हैं वो हर फन मौला होते हैं। जी हाँ, हर फन मौला होते हैं, तभी तो ₹500 हार कर आ गए। अरे वो तो मछली को दाना डाला है, जरा अपने मुनीम को पैसा लेके आने दो, फिर देखना इन हाथों की सफाई। कब आ रही है मुनीम जी? यही दो चार रोज में, जब तक। क्या मतलब ये है कि बाके बिहारी पर नैनो के जरा दो चार बाण तो चलाओ। मर गई। अरे चुपके, नोट गिनने में गड़बड़ ना करना, पूरे ₹50,000 हैं। वो गड़बड़ कैसा होगा जी? मुनीम जी, कलकत्ते पहुँचते ही मेरे मोती से कहना जल्दी घर आ जाओ बेटा। वो मोती सर अगर नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएगा। अरे अरे अरे, कहीं ऐसा गजब ना करना। अच्छा मैं कलकत्ते जाता हूँ, मेरे पीछे रानी पद्मिनी की तरफ जरा ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। तुमको नहीं बोला जी, मैं माँ जी को बोला। तुम जाओ ना, मैं रखूंगी। यार मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए मिस रूपा। कैसे याद फरमाया? देखिए मिस रूपा, आपने चंद दिनों में ये तो देख ही लिया होगा कि मैंने आपसे कोई चीज नहीं छुपाई। जी हाँ। उम्मीद है कि आप भी मुझ पर पूरा भरोसा रखेंगे। जरूर। मिस रूपा, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि मिस बाल्टीमोर के पास कितना रुपया है? यही 4-5 लाख। 4-5 लाख? जी हाँ। लेकिन ये रुपया उसके पास आया कैसे? चूहे से और कहाँ से। देखिए मिस रूपा, अगर आप मेरा साथ दें तो ये रुपया अपनी जगह बदल सकता है। ओके, मगर उस कंजूस मक्खी चूस से कैसे रुपया जीतेंगे? बड़ी खाग है वो। बाकी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मिला था डन डन। माफ़ कर दी। चुप ना किधर का, तुम आदमी लोग सब ऐसे पूछते हैं। तुम्हारा मोती सब
कब ऐसे बोलता था? मोदी सरकार एकदम झूठा आदमी, शादी वाला। डार्लिंग यार, तुम हमारे साथ मद्रास चलो, हम बड़ा आदमी, हमारे पास 50,000 रुपया है। तुम्हारा पहला बीवी होएंगे पिच्चू? उसको तो हम कोर्ट में छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ। अबे अबे बदमाशों को छोड़ दिया क्या? मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार के बच्चे इधर। मोदी सरकार, तुम औरत कैसे बन गया? ये मैं तुझे बंबई चलकर तेरी औरत के सामने बताऊंगा। नहीं मोदी सरकार, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, औरत के सामने कुछ नहीं कहना। मैंने तो मस्करी किया। मस्करी का बच्चा, पैसे निकाल, निकालता हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है, आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान पुलिस और कानून की मदद करने के लिए मैदान में उतर आए। अच्छा ये बताइए, आपने इस ट्रेन को देखा है? बिल्कुल देखा है, अंदर से देखा है, बाहर से देखा है। मैं तो कहता हूँ मूनलाइट क्लब सिर्फ नाम का है, सारा कारोबार उसी ट्रेन में होता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो 16 आने यकीन है कि बाके बिहारी ने खून भी उसी ट्रेन में किया है और नरेश को जबरदस्ती फंसा दिया। लीजिए ये नोट, इन पर निशान लगा दिए गए। थैंक यू। और ये लीजिए टेप रिकॉर्डर, इसका लफड़ा जरा एक मतलब और समझा दीजिए। डब्बे को जेब में रख लीजिए, घड़ी को हाथ में बांध लीजिए, देखिए किसी को शक न होने पाए, क्योंकि इसके अंदर घड़ी के अंदर माइक्रोफोन है। मगर इंस्पेक्टर साहब, हम आपको खबर कैसे करेंगे? वहाँ तो डैम का दरवाजा एक मरतबा बंद हुआ ना, तो आदमी तो क्या बंदूक की गोली की आवाज भी बाहर नहीं जा सकती। तो क्या आप एक मुनीम की जगह 2 मुनीम साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकता हूँ। तो फिर आप टेप रिकॉर्डर मुझे दे दीजिए, इंस्पेक्टर खान आपके साथ जाएंगे। ऐसा, वेरी गुड, ये लीजिए। मेरा मोती कब आएगा? अरे आ जाएगा भाग्यवान, मुनीम कलकत्ते पहुंच चुका है। अरे अकेला मुनीम क्या करेगा, वहां तो कत्ल खून का मामला। खून किसका, खून किसका कत्ल? गीता ने मुझे सब कुछ बता दिया, जब से सुना है मेरा दिल धड़क रहा। चौधरी साहब, अजी मुझे भी तो कुछ बताइए। अजी बताने का वक्त नहीं, फौरन चलिए कलकत्ता, कहीं बच्चों को कोई बिपता ना आ जाए। हाँ हाँ जल्दी करो, आज ही चले जाओ हवाई जहाज। हाँ आज ही चला जाता हूँ हवाई जहाज से। अरे भगवान, औलाद ना दे तो मुसीबत और दे तो भी मुसीबत। चौधरी साहब आप बैठिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। हाँ जल्दी करो। रूपा क्या है? सुनो, आज रात खेल शुरू होने से पहले बाके के पिस्तौल से असली गोलियां निकाल करके नकली गोलियां डाल देना। काम तो बड़ा डेंजरस है मगर हो जाएगा। हाँ सुनो, आज की रात कयामत की रात है, या वो नहीं या हम नहीं। घबरा मत मिस बाल्टीमोर, भगवान ने चाहा तो जीत हमारी होगी। शाबाश। ओके। अंदर नहीं जा सकते। $300
है ना रत्री अंदर इच्छा वाला हूँ। हाँ ये है मूनलाइट क्लास। मैंने कहा से थी ये 1000 शो करो मैन टॉप टॉप। आई एम सॉरी मिस बैल्टी वेरी गुड। यो यो इतना मत आरो जी बाटली चोर। चुप रहो मैन। तुम शर्म करो जी औरत को जीतते हो बाकी होकर क्या। अच्छा अच्छा अभी हम नहीं बोलता तुम जीतो जी तुम आरो जी हमको क्या करने का। यस मिस बैल्टी वो प्लीज कट कम ऑन जल्दी डील करो मैन। ये जगह तो मुझे कुछ अजीब ही नजर आता है। नजर आता है नहीं आती है जो। अरे अरे कोई है क्या आ? Miss Baltimore, last round, deal. Okay, get it, please. नजर आती है ना मोती नजर आता है आखिर ये तमाशा क्या है। जरूर कुछ गड़बड़ है चौधरी साहब आप बैठ जाइए। नहीं आप बैठ जाइए। अरे मैं कहता हूँ आप बैठ जाइए। आप तशरीफ रखिए ना। मैं अर्ज करता हूँ आप बैठ जाइए ना। हाँ मैं कहता हूँ अभी मान भी जाइए आप बैठ जाइए। मैं कह रहा हूँ Come on.
ये कदम भी आगे बढ़ाया गोली मार दूं। निशाना बांधता है बराबर बांध ले मार। अरे मिस्टर मोती क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा मारने दो अभी पीछे मारो। कहाँ जा रहे हो मिस्टर मोदी? इस फौलादी पार्टी पर कुछ असर नहीं होगा। अब करीब आ गया हूँ अब मार। हो जाए तीसरा पैर जरा निशाना बराबर लगा के। एक गोली से काम नहीं बनता इसलिए अब के तुम बाकी की तमाम गोलियां चलाओ और निशाना बराबर यहाँ लगाना। हाँ आप तो बता दो कि नटवरलाल सेठ का खून किसने किया है? मैंने। नरेश बेगुनाह। अकल की अंधी दुनिया समझे प्यार को खोटा पैसा ये ना जाने वक्त पड़े पर काम ये आए कैसा कोई ना।